क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की हम बात ही क्यों कर रहे हैं बहुत ज़रूरी है क्लासिफाई करना जरूरी तो है मान लो आपके घर में आपके पास दस किताबें हैं टेन बुक्स अब उसमें से अगर आपको क्लास इलेवेंथ की केमिस्ट्री बुक निकालनी हो तो आप किसी भी तरह ढूंढ ही लोगे दस बुक्स में से ही ढूंढना है तो यहाँ पर अगर आप बुक्स को ऑर्गेनाइज करके या क्लासिफाई करके नहीं भी रखो तो चलता है लेकिन मान लो आप अपने लाइब्रेरी में एंटर करते हो और वहाँ पर सारी किताबें अनऑर्गेनाइज होती हैं यानी कि आप घुसते हो हर तरफ ऐसे ही रैंडमली किताबें रखी हुई हैं और अब आपको क्लास इलेवंथ की केमिस्ट्री बुक निकालनी है तो क्या बहुत आसान होगा बिल्कुल नहीं शायद घंटों लग जाएंगे ये ढूंढने में कि क्लास इलेवंथ की केमिस्ट्री की किताब कहाँ पर है इट right? तो इसीलिए जब इतनी सारी किताबें हैं लाइब्रेरी के अंदर तो वहां पर अगर हम उन्हें क्लासिफाई कर दे कि भाई इलेवेंथ की किताबें एक तरफ मिस्ट्री की किताबें एक तरफ तो, तो चीजें आसान होती हैं ठीक उसी तरीके से यहां पर हम एक या दो एलिमेंट की बात तो कर नहीं रहे हैं हम काफी सारे एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं और इन काफी सारे एलिमेंट्स के काफी सारे प्रॉपर्टीज की बात कर रहे हैं राइट right. तो इसीलिए जरूरी है कि हम इन्हें क्लासिफाई कर दें इनफैक्ट यहां पर हम ये भी देखते हैं कि इनमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सिमिलर तरह से बिहेव करते हैं तो जब सिमिलर तरीके से बिहेव करते हैं तो उन्हें डालते हैं ना एक बकेट में है ना तो इसलिए क्लासिफिकेशन तो भाई जरूरी है और यही हम पढ़ने वाले हैं इस पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर अब दूसरी बात कि ये पीरियोडिक टेबल बनना शुरू कब से हुआ वेल पीरियोडिक टेबल बनने का जो ये प्रोसेस है ये शुरू हो चुका था 1789 में जब लैबोशियर ने उस समय के 33 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ मेटल्स नॉन मेटल्स गैसेस एंड अर्थ्स कुछ सालों बाद अराउंड 1829 ट्वेंटी लेकर आए लॉ ऑफ ट्राइड्स उसके भी कुछ सालों बाद अराउंड 1866 न्यूलैंड्स ने दिया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टिव तो न्यूलैंड ने कहा कि उस समय अराउंड 56 एलिमेंट्स थे तो उन्होंने कहा कि अगर इन एलिमेंट्स को हम इनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस के ऑर्डर में सजा दें तो हम देखते हैं कि हर आठवां एलिमेंट जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करता है इसके भी कुछ सालों के बाद अराउंड 1869 मैंडलिफ ने दिया मैंडलिफ्स पीरियोडिक लॉ तो मैंडलिफ ने पीरियोडिक टेबल के ऊपर काफी सारा काम किया था और मैंडलिफ के टाइम पर अराउंड 63 एलिमेंट्स थे तो हम आगे चल के देखेंगे कि मैंडलिफ ने एग्जैक्टली exactly क्या किया था तो मैंडलिफ ने कहा कि नहीं हम एलिमेंट्स को जो है उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर अरेंज करेंगे ठीक है अब कहानी में ट्विस्ट आ गया उसके भी कुछ सालों बाद जब 1913 में हेनरी मोजली ने कहा कि एटॉमिक मास नहीं हम एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर और उन्होंने उसके बाद उन्होंने मैंडलिवस पीरियोडिक लॉ को मॉडिफाई कर दिया एज मॉडर्न पीरियडिक लॉ और वहीं से आया हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तो ये जो हिस्ट्री है इस पर हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बातें नहीं करेंगे क्योंकि मुझे पता है कि आपने ये सारी चीज़ें अपने नाइन्थ स्टैंडर्ड में पढ़ रखी है तो जिन्होंने नहीं पढ़ा या वो भूल गए हैं तो लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा तो आप फटाफट -पट से नाइन्थ स्टैंडर्ड की वीडियो देख सकते हो ठीक है तो कहानी को अब हम कहाँ से शुरू करें वैसे तो हमें पढ़ना है मॉडर्न पीरियडिक टेबल के बारे में ही लेकिन वो कहते हैं ना थोड़ा सा बेस बन जाता है तो अच्छा समझ में आता है तो इसीलिए हम शुरुआत करेंगे मैंडलिवस पीरियॉडिक टेबल से कि मैंडलिव ने कौन सी अच्छी चीज़ें की थी मतलब कौन से एडवांटेजेस थे उनके पीरियॉडिक लॉ के और कौन से उनके लिमिटेशन्स थे तो सबसे पहले बात करते हैं कि मैंडलिव्स के पीरियोडिक टेबल में एडवांटेजेस क्या क्या थे तो सबसे पहली बात तो ये थी कि उस समय पर जितने भी 63 एलिमेंट्स थे मैंडलिव ने उन्हें बड़े ही तरीके से हॉरिजॉन्टल रोज एंड वर्टिकल कॉलम्स में अरेंज कर दिया था और देखो इस तरह का एक टेब्युलर फॉर्म में उन्हें डाल दिया था दूसरी बात ये थी कि मैंडलिव जो है कंप्लीटली रिलाय कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे कैसे वो ये देख रहे थे कि इन एलिमेंट्स से जो कंपाउंड्स बनते हैं जैसे कि इनके ऑक्साइड्स या हाइड्राइड्स उनके प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए जो भी सिमिलरली बिहेव कर रहे थे उनको साथ साथ डालते गए अब इससे कई जगह मैंडलिव ने ये नोटिस जरूर किया था कि कुछ कुछ एलिमेंट्स जो है ना वो एटॉमिक के एटोमिक्ष में डिस्क्रिपेंसी शो कर रहे थे मतलब चूंकि तो तो फॉलो कर रहे थे उनके केमिकल प्रॉपर्टीज के सिमिलैरिटी पे तो कहीं कहीं क्या हो रहा था कि जिसका एटॉमिक मास ज्यादा है वो पहले आ जा रहा था जिसका एटॉमिक मास कम है वो बाद में आ रहा था बट मैंडलिव ने उस समय के लिए उसे इग्नोर किया तीसरा एक बहुत ही मजेदार अचीवमेंट ये था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे यार जो उस टाइम पर डिस्कवर ही नहीं हुए थे लेकिन मैंडलिफ ने बता दिया कि यार इस पोजीशन पर इस तरह की प्रॉपर्टी वाला कोई एलिमेंट आएगा इनफैक्ट ऐसे दो एग्जाम्पल्स हैं गैलियम और जमेनियम उस टाइम पर ये दोनों एलिमेंट्स थे ही नहीं डिस्कवर ही नहीं हुए थे बट मैंडलिव ने बता दिया बेस्ड ऑन उनके पीरियोडिक टेबल का जो फॉर्मेट था जो पीरियोडिसिटी थी उसको देखते हुए उन्होंने कहा कि यार इन जगहों पर ऐसी प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स होंगे और जब ये एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो कुछ हद तक वो वैसा ही था तो चलो अब बात करते हैं कि मैंडलिव पीरियोडिक टेबल के अंदर लिमिटेशंस क्या थी क्या दिक्कतें थी इसमें एक पहली दिक्कत तो ये थी कि इट कुड नॉट एक्सप्लेन द पोजिशन ऑफ आइसोटोप्स अब हालाँकि उस टाइम पर आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुए थे बट बाद में तो हुए थे आइसोटोप्स क्या होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट एटॉमिक मास अलग होते हैं जैसे कि कार्बन की अगर बात करें तो कार्बन ट्वेल्व कार्बन थर्टीन कार्बन फोर्टीन ये सारे के एटॉमिक नंबर तो सेम है बट एटॉमिक मासेस अलग अलग है तो अब जो ये मैंडलिफ का पीरियोडिक टेबल था उसमें तो हम एटॉमिक मास के हिसाब से एलिमेंट्स को प्लेस करते हैं है कि नहीं तो अब कार्बन 12, थर्टीन फोर्टीन इन तीनों को अलग अलग पोजीशन मिलेगी अलग अलग मिलेगी तो यार ये तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ भी क्लैश कर जाएगा तो ये वाला जो फंडा था ना कि आइसोटोप्स को हम प्लेस कहाँ करेंगे वो मैंडलिव के पीरियोडिक लॉ से एक्सप्लेन नहीं हो पाया दूसरा लिमिटेशन ये था कि कई कई जगह पर हमने देखा कि जो ज़्यादा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है वो पहले आ जा रहा है और जो कम एटॉमिक मास वाला एलिमेंट है वो बाद में आ रहा है ऐसा एक एग्जाम्पल था कोबाल्ट और निकल का कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज़्यादा था बट वो निकल से पहले आ रहा था तीसरा लिमिटेशन ये भी था कि हाइड्रोजन का क्या क्योंकि मैंडलिव तो प्रॉपर्टीज़ को भी कंसिडर कर रहे थे तो अब हाइड्रोजन के अंदर ना मिक्स टाइप की प्रॉपर्टीज़ थी कुछ कुछ तो उसके मेटल्स जैसे प्रॉपर्टीज थे जैसे कि एल्कली मेटल्स जैसे थे कुछ कुछ उसका बिहेवियर हैलोजेन जैसा था अब आप अभी टेंशन मत लो हैलोजेन एल्कली मेटल्स ये क्या है धीरे धीरे समझ आएगा मतलब कहने का मतलब है कि हाइड्रोजन में ना हर तरह की प्रॉपर्टीज थी तो भाई उसे कहाँ डालें तो उसका भी जो पोजिशन है ना वो ठीक तरीके से नहीं बताया जा पाया अब बच्चों इसके बाद आया कहानी में ट्विस्ट 1913 में हेनरी मोजले नाम के एक साइंटिस्ट थे जो कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म कर रहे थे ऑन एक्स रेज रेडिएटेड बाय डिफरेंट एलिमेंट्स तो उन्होंने देखा कि डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज की एक्स रेज दे रही थी ठीक है तो लगे हाथ मोजले जी ने क्या किया उन्होंने फ्रीक्वेंसी का एक ग्राफ बना लिया विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक नंबर ठीक है और उन्होंने देखा कि उन्हें एक स्ट्रेट लाइन मिला जिसका मतलब है जैसे जैसे एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे उस एक्सरे की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है ठीक है अब उन्होंने कहा चलो ठीक है एक ऐसा ही ग्राफ बना लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास अब देखो क्या हुआ जब उन्होंने एटॉमिक मास के साथ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाया तो वो स्ट्रेट लाइन नहीं था तो इसका मतलब था कि वो जो फ्रीक्वेंसी जो एलिमेंट निकाल रही थी वो फ्रीक्वेंसी एटॉमिक नंबर पर डिपेंडेंट थी बट एटॉमिक मास पर नॉट रियली really. तो मोजले ने कहा कि इसका मतलब किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज अ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी दैन एटॉमिक मास और इसी आधार पर उन्होंने कहा कि जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर एलिमेंट्स जो हैं एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज होने चाहिए और इस तरीके से मैंडलिव का जो पीरियोडिक लॉ था वो मॉडिफाई होकर बन गया मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तो हमारा मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या कहता है ये कहता है कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स यस यानी कि अच्छा यहाँ पर देखो एक टर्म है पीरियोडिक पीरियडिक का क्या मतलब हुआ पीरियडिक का मतलब हुआ कि जब हम एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर के, के हिसाब से अरेंज करेंगे तो हम देखेंगे कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद बाद जो एलिमेंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ रिपीट करेंगे मतलब एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद बाद हमें सिमिलर टाइप से बिहेव करने वाले एलिमेंट्स मिलते रहेंगे अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के आधार पर बहुत सारे फॉर्मेट्स के पीरियडिक टेबल बनाए गए बट द मोस्ट वाइडली यूज फॉर्मैट वॉज द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल यानी कि ये अपना वाला पीरियडिक टेबल जिसको हम पहले से ही देखते आ रहे हैं नहीं तो यह है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियडिक टेबल तो इस पीरियडिक टेबल के अंदर हम क्या क्या देख चीजें देख पा रहे हैं इसके अंदर है पीरियड्स और इसके अंदर क्या है वर्टिकल कॉलम्स जिन्हें हम कहते हैं ग्रुप्स कुल मिला के यहां पर टोटल सेवन पीरियड्स हैं और एटीन ग्रुप्स हैं ठीक है यहां तक सब क्लियर है अब थोड़ा और ध्यान से देखते हैं एक चीज़ बहुत इजीली नोटिस हो रही है कि जो पीरियड्स के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है ना उनमें कहीं पर तो बहुत कम है कहीं पर बहुत ज्यादा है तो चलो थोड़ा उस पर फोकस करते हैं हम देखते हैं कि फर्स्ट पीरियड में सिर्फ दो एलिमेंट्स हैं हाइड्रोजन और हीलियम सेकेंड पीरियड की अगर बात करें तो उसमें कितने हैं उसमें आठ एलिमेंट्स हैं थर्ड पीरियड में भी आठ एलिमेंट्स हैं फोर्थ और फिफ्थ पीरियड में है एटीन एलिमेंट्स और सिक्स्थ पीरियड में है थर्टी टू एलिमेंट्स ठीक है एक छोटी सी चीज मैं यहां बता दूं कि नीचे आप देख रहे होंगे नीचे आपके सिक्स और तो सेवेंथ पीरियड में आप देख रहे होंगे एक स्टार मार्क है और वही स्टार मार्क देख नीचे ना दो अलग से दो रोज को लिखे हुए हैं अब वो क्या है वो मैं बाद में बताऊंगी बट अभी के लिए इतना जान लू कि वो जो एलिमेंट्स है वो बेसिकली उस स्टार मार्क वाले जगह में ही रहने वाले एलिमेंट्स है बट उन्हें हमने बाहर लिखा हुआ है फॉर सम रीजन जो मैं बताऊंगी ठीक है अब देखो ये जो नंबर्स है ना टू एट एट 18, एटीन थर्टी टू इन नंबर्स का एक नाम है इन्हें हम कहते हैं मैजिक नंबर्स क्यों क्यों कहते हैं हम इन्हें मैजिक नंबर्स क्योंकि एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट्स जो हैं वो रिपीट होते हैं आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टू एट एटीन थर्टी टू एलिमेंट्स याद है आपको मैंने पीरियडिसिटी इन प्रॉपर्टीज की बात की थी जब हम मॉडर्न पीरियोडिक लॉ को डिस्कस कर रहे थे कि जो प्रॉपर्टीज है ना वो एक फिक्स्ड इंटरवल के बाद रिपीट होंगी तो वो जो इंटरवल है दैट इज जिसकी वजह से इन्हें मैजिक नंबर्स कहा जाता है तो अब मैं आपको एक मैजिक दिखाऊंगी हम अभी अबिक टेबल को देखेंगे और रैंडमली अगर आप कोई सा भी एलिमेंट पिक करो और उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर के साथ अगर आप मैजिक नंबर ऐड कर दो ठीक है तो आपको उसके ठीक नीचे वाले एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा और मैं साथ में यह भी बता दूं कि जितने भी एलिमेंट्स एक ग्रुप में लाई करते हैं मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक उन सब की प्रॉपर्टीज होती हैं सिमिलर ठीक है तो चलो मैजिक देखते हैं तो पीरियोडिक टेबल में अगर हम देखें तो हमें यह देखने को मिलता है कि यार अगर हाइड्रोजन से मुझे हीलियम पे जाना हो तो मैं क्या करूं प्लस टू एड कर दू मतलब हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर पे प्लस टू एड कर दें तो मुझे लिथियम का एटॉमिक नंबर मिल जाएगा यानी कि थ्री उसी तरह लिथियम से अगर मुझे उसके नीचे वाले एलिमेंट यानी कि सोडियम के एटॉमिक नंबर तक जाना है तो हम क्या कर देंगे प्लस एट सोडियम से जाना है पोटेशियम फिर से कर दो प्लस एट पोटेशियम से जाना है रूबीडियम कर दो प्लस एटीन देखो नाइनटीन प्लस एटीन आ जाएगा थर्टी सेवन रूबीडियम से उसके नीचे सीजियम पे जाना है तो क्या करोगे वही प्लस एट्टीन और इससे अगर फ्रांसियम में जाना है तो आप करोगे प्लस थर्टी टू तो फिफ्टी फाइव प्लस थर्टी टू करोगे तो आएगा एट्टी सेवन तो ये आ गए ना हमारे मैजिक नंबर्स है कि नहीं अब देखो इस पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं से भी तुम कोई भी एक रैंडम सा एलिमेंट अगर चूज करते हो लेटर सपोज हम चूज करते हैं गैलियम ठीक है एक रैंडम से एलिमेंट चूज किया है अब मुझे पता करना है कि यार गैलियम के नीचे जो एलिमेंट है ना उसका एटॉमिक नंबर कितना है ठीक है तो देखो गैलियम कौन से वाले पीरियड में है फोर्थ में है तो इस पीरियड से नीचे वाले में जाने के लिए हम क्या करते हैं फोर टू फाइव जाने के लिए हम क्या एड करते हैं एटीन तो गैलियम में तुम कर दो प्लस एटीन तो थर्टी वन प्लस एटीन क्या हो जाएगा फोर्टी नाइन जो कि है इंडियम का एटॉमिक नंबर उसी तरीके से कहीं पर भी कहीं पर भी कोई भी रैंडम एलिमेंट लो जैसे ओस्मियम लिया सेवेंटी सिक्स है अब इस वाले रो से इसके नीचे वाले में जाने के लिए हम क्या ऐड करते हैं थर्टी टू तो सेवेंटी सिक्स में थर्टी टू एड किया तो आ गया वन हंड्रेड एंड एट करेक्ट तो इसीलिए इन्हें कहते हैं मैजिक नंबर्स अब जैसे कि हम सभी को पता है कि एलिमेंट्स जो हैं ये डिस्कवर होते रहते हैं इनफैक्ट अगर हम मैंडलिप्स पीरियोडिक टेबल के टाइम की बात करें तो उस समय सिक्सटी थ्री एलिमेंट्स थे आज की बात करें तो 118 एलिमेंट्स हैं राइट तो एलिमेंट्स जो है वो डिस्कवर होते रहते हैं तो एक बहुत बड़ा सवाल था कि ये जो नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे हैं उनके नाम क्या होने चाहिए तो पहले ये सिस्टम था कि यार जो भी साइंटिस्ट उसे डिस्कवर करेगा वो उसका नाम अपने नाम के ऊपर रख सकता है या फिर वो उसका नाम डिसाइड कर सकता है बट इससे जो है कुछ कुछ प्रॉब्लम्स आने लग गई अब क्या हुआ कि कई बार ऐसा होने लगा कि साइंटिस्ट जो हैं इससे पहले कि फुल्ली एंड फाइनली प्रूव हो कि हाँ भाई ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ है वो पहले ही क्लेम करने लग गए कि मैंने डिस्कवर किया है इनफैक्ट ऐसा ही एक किस्सा हुआ था जब एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर वन जीरो फोर वन हंड्रेड फोर डिस्कवर हुआ था तो अमेरिकन साइंटिस्ट ने बोला हमने डिस्कवर किया है सोवियत साइंटिस्ट ने बोला हमने डिस्कवर किया है अमेरिकन वालों ने अपना नाम रख दिया सोवियत वालों ने अपना नाम रख दिया अब बेचारा एलिमेंट कौन सा नाम रखे तो बड़ी कंफ्यूजन हो गई तो इस पूरे कंफ्यूजन को दूर करने बीच में आया आई जिसे बहुत लोग आईयूपैक नॉमन क्लेचर भी कहते हैं राइट तो आई ने बोला कि यार हम एक सिस्टम बनाते हैं कि जब तक फुल एंड फाइनल प्रूव नहीं होता है कि ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ है तब तक उस एलिमेंट का हम एक टेम्पररी नाम रखेंगे ठीक है और जब फुल एंड फाइनल प्रूफ हो जाएगा कि हाँ ये एलिमेंट डिस्कवर हुआ है उस टाइम पे हम उसका एक परमानेंट नाम और सिंबल देंगे अब ये परमानेंट नाम और सिंबल जो है ये आई के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं सभी कंट्रीज से दे विल डिसाइड ठीक है बढ़िया है बट अब सवाल ये उठता है कि ये जो टेम्पररी नाम होगा ये नाम क्या होगा अब ऐसे हम राम सीता चिंटू मिंटू तो नहीं रख सकते हैं राइट एलिमेंट्स हैं तो एक प्रॉपर प्रोसेस होना चाहिए तो आई ने एक प्रोसेस डिफाइन कर दिया उन्होंने जो है एक टेबल दे दिया कि देखो भाई ये टेबल को फॉलो करते हुए टेम्पोरे नाम तुम्हें रखना पड़ेगा तो जैसे ही तुम्हें पता रहेगा क्योंकि जैसे ही तुम एक नया एलिमेंट डिस्कवर करोगे तुम्हें पता रहेगा कि यार इसका एटॉमिक नंबर क्या होने वाला है अब उस एटॉमिक नंबर के हिसाब से एक आई यू ने एक कोड सॉर्ट ऑफ दे दिया जिसके बेसिस पर हम टेम्पररी नाम रख सकते हैं तो वो कौन सा कोड था चलो देखें तो हमें ये टेबल दे दिया गया कि यार इस टेबल के हिसाब से तुम्हें टेम्पररी नाम रखना है तो ये टेबल कहता है कि डिजिट अगर जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन इनमें से कोई से भी डिजिट के लिए हम यही वाले नाम यूज करेंगे जैसे जीरो के लिए नील वन के लिए उन टू के लिए बाई थ्री के लिए ट्राई फोर के लिए क्वाड फिर पेंट हेक्स सेप्ट ऑक्ट एन ठीक है जैसे फॉर एग्जाम्पल लेटर सपोज कि किसी साइंटिस्ट ने एक एलिमेंट डिस्कवर किया जिसका एटॉमिक नंबर होगा 105 तो अब वन के लिए हम क्या लिखेंगे उन जीरो के लिए हम क्या लिखेंगे नील और फाइव के लिए हम क्या लिखेंगे पेंट ठीक है तो इस एलिमेंट का जो नाम है वो हो जाएगा ठीक है तो देखो इस तरह से बनती है आई यू नॉमिनक्लेचर इन नए डिस्कवर्ड एलिमेंट्स का जैसे यहां पे देखो हंड्रेड वन टू थ्री फोर करके जो यहां तक है एक कोई भी रैंडम लो जैसे वन वन थ्री हंड्रेड थर्टीन तो ये क्या हो गया उन उन, उन वन, वन वन के लिए उन, उन और थ्री के लिए ट्राई ईम तो उन, -उन ट्राइम ठीक है अब देखो बाद में जब प्रॉपरली कंफर्म हो जाता है कि हाँ दिस एलिमेंट हैज़ बिन डिस्कवर्ड तो उन्हें एक ऑफिशियल नेम भी दिया जाता है जैसे कि मेंडेलेवियम, नोबेलियम लॉरेंशियम रदरफोडियम इस तरीके से जो भी डिसाइड किया जाता है वो ऑफिशियल नेम दिया जाता है अब देखो इस टेबल में कहीं कहीं पे ना तुम्हें प्लस सिंबल दिख रहा होगा स डैट दिस एलिमेंट इज येट टू बी डिस्कवर्ड मतलब ये अभी तक फाइनल नहीं हुआ है कि वेदर इट हैज बीन फुली डिस्कवर्ड और नॉट अब दूसरे दुविधा आ गए कि यार इतने सारे जो एलिमेंट्स हैं इन्हें हम किस बेसिस पर और किस पोजिशन पर प्लेस करें पीरियोडिक टेबल पर अब इतना तो समझ आ गया कि ठीक है इन्हें अटोमिक नंबर के हिसाब से अरेंज करना है तो अगर ऐसा ही है तो एक के बाद एक लिखते जाओ हाइड्रोजन हीलियम ली थी हम ऐसे ऐसे करके एक लाइन में लिख दो सारे एलिमेंट्स ऐसा तो हम नहीं कर रहे तो हमें कैसे पता लगेगा कि एग्जैक्टली exactly कहाँ पर इन एलिमेंट्स को प्लेस करना है और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पिछले वीडियो में हमने सीखा था कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं राइट अब आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कितना तगड़ा रोल प्ले करेगा इस पूरे टेबल में इनफैक्ट इस पूरे लेसन के अंदर हम जो भी चीज़ें पढ़ेंगे ना सभी कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से लिंक्ड होगा तो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन समझ में आ गया था तो कोई टेंशन की बात नहीं है इस लेसन में हम जो भी पढ़ेंगे वो आपको बहुत आसान लगेगा ठीक है तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई एक एलिमेंट किस पीरियड में है वो कैसे पता चलता है वो पता चलता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने पढ़ा था एन जिससे डिनोट करते थे तो जो हाइएस्ट वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है दैट इज द पीरियड मतलब अगर एन की हाइएस्ट वैल्यू टू है इसका मतलब वो वाला एलिमेंट सेकेंड पीरियड में रहेगा अगर n की हाइएस्ट वैल्यू फोर है तो इसका मतलब वो वाला एलिमेंट फोर्थ पीरियड में रहेगा अब आप पूछोगे कि n की हाइएस्ट वैल्यू क्या है ये मुझे कैसे पता चलेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन से राइट right? चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं अब देखो यहां पर हम क्या करते हैं हम रैंडमली हर पीरियड से एक एक एलिमेंट पिक करते हैं ठीक है फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पीरियड से हमने पिक किया हाइड्रोजन इसका कॉन्फिगुरेशन क्या है वन एस वन तो यहाँ पे हाइएस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है वन इसीलिए ये पीरियड वन में है यानी कि फर्स्ट पीरियड में है अब सेकेंड पीरियड से मैंने रैंडमली पिक किया है नाइट्रोजन ठीक है इसका कॉन्फिगुरेशन इज वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री तो इसका हाइएस्ट वैल्यू ऑफ एन क्या है एन के यहाँ पर दो वैल्यूज तो है एक तो वन है एक तो टू है तो हाइएस्ट वैल्यू क्या है टू तो इसीलिए ये कौन से पीरियड में है पीरियड टू में या फिर सेकंड पीरियड में ठीक इसी तरीके से अगर हम मैग्नेशियम को पिक करें जो कि यहां पर है इसका कॉन्फिगरेशन अगर हम देखें तो यहां पर हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन इज थ्री एंड दैट्स व्हाई इट इज इन थर्ड पीरियड सिमिलरली यू पिक अप लेट्स से वेनाडियम यू सी दैट द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन इज फोर यानी कि दिस इज इन द फोर्थ पीरियड और इसी तरीके से मैंने रैंडमली कुछ कुछ ऐसे एलिमेंट्स लिए हैं अलग अलग पीरियड्स के जैसे कि वाइटरियम जैसे कि बेरियम एक्टिनम और हम देखते हैं कि इन सब में जो हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन है वही बताती है कि इनका ये कौन से वाले पीरियड में है यहां पर एक और इंटरेस्टिंग बात कि एलिमेंट्स इन अ पीरियड द सेम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऐसा क्यों क्योंकि एक पीरियड में रहने वाले एलिमेंट्स जो है उन सब का एन बराबर होगा राइट right? क्योंकि एन की वैल्यू ही तो बता रही है कि वो कौन से पीरियड में है राइट right? और हमें क्या पता था हमने ये पढ़ा था हमारे पिछले लेसन में कि नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज गिवन बाय स्क्वायर तो जब सारे एलिमेंट्स के एन की वैल्यू सेम है एक पीरियड में तो सबकी एन स्क्वायर की वैल्यू भी सेम होगी तो इसीलिए सारे एलिमेंट्स जो एक ही पीरियड में है दे विल हैव सेम नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अब बात करते हैं कि एलिमेंट कौन से ग्रुप में रहेगा ग्रुप यानी कि वर्टिकल कॉलम्स कौन से ग्रुप में रहेगा यह कैसे पता चलेगा तो एक ग्रुप में रहने वाले सारे में होते हैं. मतलब उनके में इसको ना हम थोड़ी ही देर के बाद देखेंगे थोड़ी देर के बाद क्यों वो भी आपको बताऊंगी थोड़ी देर के बाद ठीक है अब हम देखते हैं कि एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखते हुए ये देखते हुए कि उनमें इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है उसके बेसिस पर हम इन सारे एलिमेंट्स को चार ब्लॉक्स में डिवाइड कर सकते हैं जैसे कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स तो आप समझ रहे हो ये किस बेसिस पे हो रहा है एस पी डी एफ ये क्या है ये तो मेरे ऑर्बिटल्स हैं तो बेस्ड ऑन की इलेक्ट्रॉन कौन से वाले ऑर्बिटल्स में फिल हो रहे हैं हम इन्हें इन ब्लॉक्स में कैटेगराइज कर सकते हैं और हम देखते हैं कि एक ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स में काफ़ी सारे केमिकल प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं जैसे एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स में काफ़ी चीज़ें कॉमन है पी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स में काफ़ी चीज़ें कॉमन है और उसी तरह डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में भी तो अब चलो इन सारे एलिमेंट्स को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं तो सबसे पहले बात करते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स की एस ब्लॉक एलिमेंट्स वैसे एलिमेंट्स होते हैं जहाँ पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है दैट एंटर्स इनटू एन एस ऑर्बिटल लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर एस ऑर्बिटल में जा रहा है तो वो एस ब्लॉक एलिमेंट होगा ठीक है तो अगर हम अपने पीरियोडिक टेबल को देखें तो इस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप वन और ग्रुप टू के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं वो सारे एस ब्लॉक एलिमेंट्स हैं एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं लिथियम को लेते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या है वन एस टू टू एस वन मतलब आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है टू एस ऑर्बिटल में इसलिए ये एस ब्लॉक एलिमेंट है एक और एग्जाम्पल लेते हैं ले लो कैल्शियम कैल्शियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो तो आप देखोगे कि जो आखिरी वाला इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहा है 4s ऑर्बिटल में तो इसीलिए ये s ब्लॉक एलिमेंट है इसी तरह से आप ये ग्रुप वन और ग्रुप टू में से कोई भी एलिमेंट पिक कर लो और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो आप देखोगे कि लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो एस ऑरबाइटल में जा रहा है अब यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सेप्शन की यार मैं बोलती हूँ ना कि जब भी हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं ना आते जाते हर जगह हमें क्या मिलता है एक्सेप्शन तो यहां हम दो एक्सेप्शन की बात करेंगे पहला एक्सेप्शन है हाइड्रोजन तो हाइड्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो वो क्या है वन एस वन यानी कि इसका जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये कौन से ऑर्बिटल में जा रहा है एस ऑर्बिटल में तो उस हिसाब से ये एस ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए लेकिन जब हम हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज को देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये तो नॉन मेटल की तरह में भी बिहेव करता है लोजेंस की तरह भी इसके काफ़ी प्रॉपर्टीज है तो इसीलिए हाइड्रोजन को हमने ना एक स्पेशल केस की तरह कंसिडर किया है हमने कहा कि यार तुम्हारे ना कुछ प्रॉपर्टीज ग्रुप वन के एलिमेंट्स के जैसे हैं कुछ प्रॉपर्टीज हेलोजेंस के जैसे हैं तो यार तुम ना बड़े डिफरेंट हो तो इसीलिए हम तुम्हें किसी भी ब्लॉक में नहीं डालेंगे और हमने हाइड्रोजन के अलग रखा हुआ है ठीक है दूसरा एक्सेप्शन है हीलियम अगर हम हीलियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन को देखें तो ये है वन तो मैम यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन है वो तो ऐसा ऑर्बाइटल में जा रहा है तो हीलियम तो फिर ब्लॉक एलिमेंट होना चाहिए लेकिन जैसे ही हम हीलियम की प्रॉपर्टीज देखते हैं तो हीलियम जो है ये बिहेव करता है नोबल गैसेस की तरह जो हमारा बिल्कुल लास्ट वाला ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स हैं उनके भी सारे के लास्ट वाला जो ऑर्बिटल होता है वो फुल्ली फिल्ड होता है और हीलियम का भी वैसा ही है तो हीलियम की सारी प्रॉपर्टीज चूंकि उनके साथ मैच करती है इसलिए हमने हीलियम को डाल दिया ग्रुप 18 में उनके साथ ठीक है तो यानी कि हीलियम का भी कॉन्फिगरेशन एस ब्लॉक जैसा है बट ये बिलोंग करता है कौन से ब्लॉक को पी ब्लॉक को ठीक है अच्छा अब ये जो ग्रुप वन वाले एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं एल्कली मेटल्स और जो ग्रुप टू वाले एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ठीक है बात अगर करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन की तो एस ब्लॉक के सभी एलिमेंट्स का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है मतलब बाहर के साइड का अंदर का तो वही नोबल गैस ही रहता है सिंप्लीफाइड वर्जन में तो जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का फॉर्मेट होता है वो कुछ ऐसा होता है एन या फिर एनएस ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं देखते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या होगा लास्ट का इलेक्ट्रॉन जाएगा पी ऑर्बिटल में ठीक है ये इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे पीरियोडिक टेबल में ग्रुप थर्टीन से लेकर के ग्रुप एटीन तक जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स यहां पर रैंडमली कोई एग्जाम्पल लेते हैं लेट्स से फॉस्फोरस फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर आप देखो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है थ्री पी और बाइटल में इसीलिए ये पी ब्लॉक है ब्रोमीन का एग्जाम्पल लो यहां पर देखो आखिरी इलेक्ट्रॉन कहा जा रहा है फोर पी और बाइटल में तो ये कौन सा ब्लॉक एलिमेंट हुआ पी ब्लॉक एलिमेंट है कि नहीं अब एस ब्लॉक एलिमेंट्स और पी ब्लॉक एलिमेंट्स दोनों को साथ में मिलाकर कहा जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स तो अब चलो थोड़ा सा देखते हैं कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो कैसा होता है अब ये कहता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन वैर टू एन पी वन टू एन एस टू एन पी सिक्स इन ईच पीरियड हर पीरियड में जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन का यही पैटर्न फॉलो होगा क्या ऐसा सच में होगा चलो पैटर्न को नोटिस करते हैं तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते ले ले हैं ठीक है जैसे पी ब्लॉक का ही एक पर्टिकुलर रो ले लेते ले हैं ठीक है मतलब एक पर्टिकुलर पीरियड ले लेते ले हैं तो हमने ये बोरोन वाला ले लिया जो कि है मेरा सेकेंड पीरियड ठीक है तो बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन न्योन और इनके ऊपर जो है ये क्या लिखा हुआ है थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन इनका ग्रुप नंबर लिखा हुआ है एंड ठीक है अब इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लिए हैं हमने जैसे ये बोरोन का है ये कार्बन का है ये नाइट्रोजन का है ये ऑक्सीजन का है ये फ्लोरीन का और ये न्योन का तो अगर इनके कॉन्फिगरेशन को हम ध्यान दें तो देखो इसका जो आउटर मोस्ट कॉन्फिगरेशन है उसमें क्या है टू एस टू टू पी वन टू एस टू टू पी टू टू एस टू टू पी थ्री टू 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 पी फोर टू 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 पी फाइव और टू एस टू टू पी सिक्स यानी कि एन एस टू एन पी वन से लेकर के एन एस टू एन पी सिक्स तक इसका जो है इसी तरह पैटर्न से चेंज हो रहा है राइट और सिर्फ यही वाला पीरियड नहीं आप किसी भी पीरियड के अंदर अगर ग्रुप थर्टीन से ग्रुप एटीन तक सारे एलिमेंट्स के कॉन्फिगरेशन को देखोगे तो आपको सेम यही वाला पैटर्न देखने को मिलेगा और हम ये भी नोटिस करते हैं कि ये जो लास्ट वाला ग्रुप नंबर एटीन है ना ये क्या है ये क्लोज बैलेंसियल कॉन्फिगरेशन है, है. क्यों क्योंकि ये वाले जो हैं ये हमारे क्या हैं ये है नोबल गैसेस ये बिल्कुल स्टेबल स्टेट में है क्योंकि इनके सारे जो ऑर्बिटल्स हैं वो फुल्ली है और फुल्ली फिल्ड है तो देयरफॉर दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल अब बात करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की सबने ने गेस कर लिया होगा ये कौन से वाले एलिमेंट्स हैं जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा डी ऑर्बिटल में अब यहाँ पर ना एक बहुत ही छोटी सी चीज है बट बहुत ही समझने वाली चीज है आप देखो कि आपके डेफिनेशन में लिखा हुआ है इनर डी ऑर्बिटल ये इनर क्यों लिखा हुआ है

तो इसका अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो फोकस करो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पे क्या लिखा है थ्री डी टू फोर एस टू ठीक है कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम यहां पर तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फोर एस में जा रहा है तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट कैसे हो सकता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फोर एस पे नहीं जा रहा है ऑर्बिटल्स फिल कैसे होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ऑफ बॉ प्रिंसिपल के हिसाब से इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जीज है कि नहीं तो मतलब जिस ऑर्बिटल की एनर्जी जितनी ज्यादा है वो उतना आखिरी में जाके फिल होगा अब 3d और 4s को अगर आप कंपेयर करो तो एनर्जी किसकी ज्यादा है 3d की ज्यादा है कैसे पता n प्लस एल रूल ये सारी चीजें हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी राइट एन प्लस एल रूल ऑफ बॉ प्रिंसिपल है ना तो इसका मतलब जब हम इन्हें फिल करेंगे जब हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे तो पहले हम फोर को फिल करेंगे उसके बाद हम थ्री को फिल करेंगे यानी कि थ्री मेरा सबसे लास्ट में फिल होगा तो मेरा लास्ट का इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा थ्री में जाएगा है कि नहीं तो इसीलिए यहां पर क्या हो रहा है कि मेरा लास्ट इलेक्ट्रॉन डी ऑर्बिटल में जा रहा है इसीलिए ये मेरा डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन मेरा आउटर मोस्ट शेल क्या है N is equal to 4, right? Principal number बताता है कि shell बाहर का कौन सा है N is equal to तो D जो है है। मेरा ये outermost shell का नहीं सबको ये समझ आ गया छोटी सी चीज थी बट आई जस्ट वॉन्टेड यहाँ का डी ऑर्बिटल का बोलने का मतलब था कि आखिरी इलेक्ट्रॉन तो डी ऑर्बिटल में जाएगा बट वो डी ऑर्बिटल आपका मोस्ट नहीं होगा इसीलिए लिखा रहता है इनर डी ऑर्बिटल्स क्लियर बहुत बढ़िया अब ये कौन से वाले एलिमेंट्स होते हैं पीरियोडिक टेबल के अंदर ग्रुप थ्री से लेकर के ग्रुप ट्वेल्व तक ये सारे जो होते हैं ये क्या होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है अब एक मजेदार चीज देखो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना ये एक ब्रिज के तरह काम करता है बिटवीन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक इसीलिए इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अगर हम जनरल फॉर्मेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इनका जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है एन माइनस वन डी वन टू टेन एन एस जीरो टू टू मतलब एन एस जो है वो मेरा आउटर मोस्ट शेल है और एन माइनस वन डी मेरा इनर डी और है ठीक है चलो अब बात करते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की कौन से वाले हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स वो जो नीचे अलग कर दिए गए हैं बिल्कुल बिचारे से उनको पीरियोडिक टेबल के नीचे रख दिया गया है वो हैं हमारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स अब वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों हैं वही सेम लॉजिक क्योंकि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो उनके एफ और बाइटल में जा रहा है ठीक है इनफैक्ट मैंने बहुत पहले ही बताया था राइट कि वो जो स्टार मार्क आप देख रहे हो ना देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर लांथनम फिफ्टी सेवन एटोमिक नंबर और एक्टीनम एट्टी थ्री एटोमिक नंबर के बाद ये स्टार मार्क है और उन्हीं वैसी स्टार मार्क की जगह बेसिकली ये सारे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होने वाले थे बट वो वहाँ नहीं है क्यों क्योंकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है ना वो काफ़ी अलग है बाकी डी ब्लॉक एलिमेंट से इसीलिए उन्हें अलग ही रखा गया है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर अलग है तो इसका मतलब उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी काफ़ी अलग होंगी and that's why they are separate and they are f block elements ab f block elements ke sath bhi wahi inner f orbital wala concept hai isliye agar unka aap electronic configuration dekhoge to unka general format kuch yun hoga n minus 2 f orbital n minus 1 d orbital aur fir ns orbital ठीक है logic वही same है जो हमने d orbital के केस में discuss किया था ठीक है कुछ examples ले सकते हो जैसे let's say uranium ले लिया और यूरेनियम का अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखो तो आप क्या देखोगे कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो उसका एफ ऑर्बिटल में जा रहा है और इसीलिए वो एफ ब्लॉक एलिमेंट कुछ देर पहले मैंने बताया था कि ग्रुप नंबर किसी भी एलिमेंट का कैसे फाइंड आउट करते हैं ये मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगी तो आई थिंक अब हम तैयार हैं ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए तो अब आप समझ गए होंगे कि उस समय मैंने क्यों नहीं बताया था क्योंकि ग्रुप नंबर फाइंड आउट करने के लिए आपको ये एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का थोड़ा आइडिया होना चाहिए तो चलो देखते हैं अब देखो जब हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए उनका ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एस ब्लॉक कौन कौन सा हो गया ये ग्रुप वन और ग्रुप टू यहां से लेकर के ये ये हो गया मेरा एस ब्लॉक ठीक है तो इन एलिमेंट्स के लिए ग्रुप नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं इसका लेट्स टॉक अबाउट लेट्स ए सोडियम तो सोडियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें तो ये होगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस वन ठीक है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने है? क्या है? N इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है वन करेक्ट तो यानी कि इसका ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा वन और देखो ये ग्रुप नंबर वन में लाई करता है करेक्ट अब बात करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू टेन प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल ठीक है पी ब्लॉक कहां पर है मेरा ये थर्टीन से लेकर के एटीन तक ये जो है ये मेरा पी ब्लॉक एलिमेंट है ठीक है ना अब इनके केस में क्या होगा कि टेन प्लस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ये हो जाएगा ग्रुप नंबर चलो इसमें भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं तो इसके केस में लेटेस्ट सपोज हम लेते हैं नाइट्रोजन का एग्जाम्पल तो चलो इसके केस में भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं ये हो जाएगा 1s2 2s2 ठीक है? है है तो तो पर मेरे पास कितने हैं आपको कुछ बच्चे बोलेंगे थ्री। पर थ्री नहीं है। मतलब शेल में. शेल क्या तो तो यानी कि ये दोनों ही आएगा ना मोस्ट शेल में तो, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? फाइव राइट तो ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा ग्रुप नंबर हो जाएगा टेन प्लस फाइव यानी कि फिफ्टीन तो नाइट्रोजन कौन से ग्रुप में है देखो बिल्कुल फिफ्टीन ग्रुप में ही तो है ठीक है अच्छा अब अगर बात करें हम डी ब्लॉक एलिमेंट्स की तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में ग्रुप नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन माइनस वन डी सबसेल प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंट शेल तो डी ब्लॉक कौन से हैं ये ग्रुप नंबर थ्री से लेकर के ट्वेल्व तक ये जो बीच वाले जो ये एलिमेंट्स हैं ये हैं हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स ठीक है तो अब इनमें भी एक लेट्स टेक वन रैंडमली कोई भी एक लेते हैं अस सपोज हम बात करते हैं स्कैंडियम की तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होगा थ्री एस टू थ्री पी सिक्स फोर एस टू थ्री डी वन ये हो जाएगा इसका कॉन्फिगरेशन अब यहां पर देखो आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है वैलेंस शेल क्या हो जाएगा एन इज इक्वल टू फोर के कॉरेस्पॉन्डिंग ये हो जाएगा वैलेंस शेल और वैलेंस शेल से पहले वाला शेल कौन सा है एन माइनस वन डी सब शेल कौन सा है ये वाला है तो टोटल इनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें दो हैं और इसमें वन है तो यानी कि टोटल थ्री हो गया सो थ्री विल बी द ग्रुप नंबर समझ आया मतलब डी ब्लॉक के केस में वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं प्लस स के पहले वाले डी सबशेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है ये दोनों का एड करना पड़ेगा तब हमें मिलेगा ग्रुप नंबर तो अभी तक हमने जो भी एस पी डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा उसमें से हम देखते हैं कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये सारे मेटल्स हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर हमें देखने को मिलता है नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स तो इससे हमें ये भी आइडिया लगा कि पीरियोडिक टेबल में मेजोरिटी में कौन है मेटल्स है इनफैक्ट मोर देन सेवेंटी एट परसेंट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटल्स तो इससे पहले कि हम इस बारे में थोड़ा और डिस्कस करें एक बार मैं चेक कर लेती हूं कि सबको मेटल्स और नॉन मेटल्स का डिस्टिंक्शन तो याद है हालांकि मुझे पता है कि आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि कुछ इस तरह के डिफरेंसेस जैसे कि अगर हम मेटल्स की बात करें सो दे आर यूजुअली सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर अब आप कहोगे कि मैम मरकरी तो सॉलिड नहीं है बट वो मेटल है यार जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो ना एक्सेप्शन के लिए रेडी रहना क्योंकि केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर जगह आपको एक्सेप्शन मिल ही जाएगा तो मरकरी भी एक ऐसा ही एक्सेप्शन है दूसरी तरफ हम नॉन मेटल्स की बात करें तो दे आर यूजुअली सॉलिड्स और गैसेस एट रूम टेम्परेचर अगर बात करें मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट की तो मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अगेन वहां भी एक एक्सेप्शन है बोरोन और कार्बन का अगर हम बात करें कुछ और प्रॉपर्टीज की जैसे कि मेटल्स जो होते हैं दे आर मैलिएबल डकटाइल एंड सोनोरस सबको पता है ना ये क्या है मैलिएबल मतलब उसे हम थिन शीट्स में बीट कर सकते हैं देखा होगा एल्यूमिनियम का जो शीट मिलता है करेक्ट उसी तरह डकटाइल मतलब उसे हम चेन की तरह वी कैन ड्रॉ इट इन वायर्स जो गोल्ड वगैरह की जो ज्वेलरी बनती है उसी तरह से बनती है गोल्ड सिल्वर वगैरह सोनोरस की बात करें तो स्कूल का वो घंटी ढंग 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 जो बजता है क्यों क्योंकि मेटल्स हैव दैट प्रॉपर्टी ऑफ प्रोड्यूसिंग दैट साउंड लेकिन इनमें से कोई भी प्रॉपर्टीज आपको नॉन मेटल्स में नहीं मिलेगी तो बच्चों आप समझते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर और नॉन मेटालिक कैरेक्टर का ट्रेंड कैसा है अपने पीरियोडिक टेबल में ठीक है तो सबसे पहले समझते हैं मेटालिक कैरेक्टर मेटालिक कैरेक्टर होता क्या है मेटल्स मेटल्स की क्या टेंडेंसी होती है मेटल्स जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की टेंडेंसी होती है वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करती हैं वो मेटल्स हैं ये सबको पता है ठीक है अब हम देखते हैं कि जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप के नीचे की तरफ आते हैं ऊपर से नीचे आते हैं तो एलिमेंट का मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता रहता है यानी कि जैसे जैसे हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं तो वो एलिमेंट जो है और इजीली इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देता है बट ऐसा क्यों होता है आप ये नोटिस करोगे कि जैसे जैसे किसी ग्रुप में हम ऊपर से नीचे आते हैं उनके जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो हर एक स्टेप में हमारा एक नया शेल ऐड हो जाता है जैसे अगर हम हाइड्रोजन से लिथियम पे आते हैं लिथियम से सोडियम पे आते हैं सोडियम से पोटेशियम पे आते हैं तो हम क्या देखते हैं एक एक नया शेल ऐड हो रहा है हर स्टेप में कैसे अगर हम हाइड्रोजन के कॉन्फिग्रेशन की बात करें तो क्या है वन एस वन ठीक है अब अगर अब अगर हम लिथियम के कॉन्फिगरेशन की बात करें तो क्या है 1s2 2s1 ठीक है अब अगर हम सोडियम के कॉन्फिगरेशन की बात करें तो क्या है 1s2 2s2 2p6 3s1 राइट right? तो इसका मतलब जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं क्या हो रहा है हर एक स्टेप में मेरा एक और नया शेल ऐड होता जा रहा है जिसकी वजह से जो मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से और दूर जाता जा रहा है, है कि नहीं तो मतलब पहले अगर मेरा वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये ग्रीन वाले शेल में था जो सबसे इनर मोस्ट शेल है तो उस समय इलेक्ट्रॉन उसको ज्यादा कस के पकड़ा हुआ था तो उसका छूट के जाना थोड़ा मुश्किल था बट जैसे जैसे ये इलेक्ट्रॉन से दूर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का तो न्यूक्लियस का कंट्रोल जो है उस पर कम हो रहा है, है कि नहीं तो उस केस में जो इलेक्ट्रॉन है वो आसानी से छूट के निकल जाएगा तो यानी कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की जो टेंडेंसी है वो और बढ़ती जाएगी तो जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आएंगे हम क्या देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी बढ़ती जाती है जिसकी वजह से मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है अब बात करते हैं कि क्या होगा जब हम एक पीरियड में लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे तब क्या होगा मेटालिक कैरेक्टर के साथ तब हम देखते हैं कि जो मेटालिक कैरेक्टर है वो डिक्रीज होता है अब ऐसा क्यों होता है भाई चलो देखते हैं अब इस केस में क्या होता है लेट्स से हम सेकेंड uh, पीरियड का एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है सबसे पहला है लिथियम, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन क्या हो रहा है इनके साथ जैसे जैसे हम लिथियम से बेरिलियम पे जा रहे हैं या बेरिलियम से बोरोन पे जा रहे हैं तो इनका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है कि जो बीच का जो न्यूक्लियस है ना उसका चार्ज बढ़ रहा है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहा है तो अगर लिथियम में तीन प्रोटॉन्स थे तो जब तक हम ऑक्सीजन पे पहुंच रहे हैं तो उसके आठ प्रोटॉन्स हैं तो न्यूक्लियर का चार्ज जो है प्लस थ्री से प्लस एट हो गया है कि नहीं तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है लेकिन जो बाहर जो इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है वो उसी शेल में ऐड हो रहा है राइट right? हमने पढ़ा है कि एक पीरियड में लाई करने वाले सारे एलिमेंट्स के एन की वैल्यू सेम होती है क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स चाहे लिथियम है बेरिलियम है बोरोन है कार्बन है ऑक्सीजन है ये सारे जो है सेकेंड पीरियड में लाई करते हैं यानी कि इन सब के इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एन इज इक्वल टू टू में ही ऐड हो रहे हैं राइट right? तो मतलब इलेक्ट्रॉन तो यहीं पर ऐड हो रहे हैं लेकिन जो मेरा न्यूक्लियस है ना उसका चार्ज बढ़ता जा रहा है अब वो और पॉजिटिव होता जा रहा है अब चूंकि और पॉजिटिव होता जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है राइट तो इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ खींच के रखेगा तो इलेक्ट्रॉन इतनी आसानी से निकल तो नहीं पाएंगे है कि नहीं तो इसीलिए जो मेटालिक कैरेक्टर है वो रिड्यूस हो रहा है लेकिन जो नॉन मेटालिक कैरेक्टर है वो बढ़ रहा है नॉन मेटालिक कैरेक्टर क्या होता है इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी अब चूंकि न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा है इसे ऐसे समझो न्यूक्लियस तो पॉजिटिव है अब वो जो है नेगेटिव चीजों को लेना चाह रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन को और खींच रहा है तो यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ रही है तो इसीलिए जब भी आप किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हो तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और जब भी आप कभी किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट right की तरफ जाते हो तो नॉन मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है और इसीलिए आप देखोगे पीरियोडिक टेबल में राइट हैंड साइड पे क्या है सारे नॉन मेटल्स हैं तो अब चूंकि हम मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात कर ही रहे हैं तो कुछ टर्मिनोलॉजीज़, कुछ चीजों के नाम भी बता देते हैं तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर मेटल्स के अंदर क्या क्या है एस ब्लॉक एलिमेंट्स ग्रुप वन में सारे मेटल्स हैं इनका नाम है एल्कली मेटल्स ग्रुप टू सारे मेटल्स हैं इन्हें हम कहते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स ठीक है अब बीच में ये जो ग्रुप थ्री से लेके ग्रुप ट्वेल्व तक के जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इन्हें हम कहते हैं ट्रांजिशन मेटल्स और ये जो एफ ब्लॉक वाले मेटल्स हैं उन्हें हम कहते हैं इनर ट्रांजिशन मेटल्स इनर ट्रांजिशन क्यों क्योंकि वो ट्रांजिशन के अंदर ही कहीं लाई करते हैं तो इसीलिए वो है इनर ट्रांजिशन मेटल्स अब बात करते हैं नॉन मेटल्स की नॉन मेटल्स के अंदर देखो जो बिल्कुल राइट right मोस्ट हमारा ग्रुप है यानी कि ग्रुप 18, उन्हें हम कहते हैं नोबल गैसेस वो बड़े ही नोबल हैं किसी के भी साथ झगड़ा नहीं करते रिएक्ट नहीं करते वो बिल्कुल नॉन रिएक्टिव हैं ठीक है ठीके? तो वो हैं हमारे नोबल गैसेस ग्रुप 17, यानी कि उनके पड़ोसी ग्रुप 17 वाले जितने हैं उन्हें हम कहते हैं हेलोजेंस और ग्रुप सिक्सटीन वाले जितने हैं उन्हें हम कहते हैं कैल्कोजेंस अब अगर हम पीरियोडिक टेबल पर थोड़ा और गौर करें तो हम देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जिनके अंदर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ हैं और उन्हें हम कहते हैं मेटलॉइड्स जैसे कि ये वाले एलिमेंट्स जैसे सिलिकन जर्मेनियम आर्सेनिक ये सारे इस कैटेगरी में फॉल करते हैं अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं या किसी पीरियड में लेफ़्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो हम देखते हैं कि उनके फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में एक ट्रेंड दिखता है ठीक है फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ बोले तो जैसे कि उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उनके एटॉमिक रेडियाई इन सब में हम एक ट्रेंड नोटिस करते हैं ठीक है तो अभी हम क्या करेंगे एक एक करके इन प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे और उनके ट्रेंड को भी समझेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे एटॉमिक रेडियस की ठीक है अब जैसा कि हम सभी को पता है कि एटॉमिक रेडियस निकालना बहुत सिंपल या स्ट्रेट फॉरवर्ड तो नहीं है क्यों क्योंकि हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में देखा था कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में नहीं होते हैं राइट right? वो एक थ्री डायमेंशनल इलेक्ट्रॉन क्लाउड की तरह होते हैं राइट right? तो उनका कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं होता है तो इसीलिए एटॉमिक रेडियस को कैलकुलेट करना इतना सिंपल नहीं होता है हालांकि वी कैन कैलकुलेट अटोमिक रेडिया यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स और जो ट्रेंड हम नोटिस करते हैं वो कुछ ऐसा है कि किसी भी पीरियड के अक्रॉस यानी कि जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट right की तरफ जाते हैं किसी भी पीरियड में तो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज अब सबसे अहम सवाल ऐसा क्यों होता है तो चलो समझते हैं तो जैसा कि हमने पहले भी देखा कि एक पीरियड में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखें तो उनमें जो भी एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड होता जा रहा है विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर वो सारे सेम शेल में ऐड हो रहे हैं राइट right? क्योंकि उनका एन का वैल्यू तो सेम है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू सेम है तभी वो सारे सेम पीरियड में है, है ना तो अब हो कुछ यूं रहा है कि लेटर सपोज ये उनके हाईएस्ट वैल्यू ऑफ एन उनकी ये है लाइक लेटस जस्ट एज्यूम मैं सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जाम्पल ले रही हूँ ठीक है तो ये मेरा एनथ शेल है तो अब जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट right की तरफ जाऊंगी मेरा एटोमिक नंबर बढ़ रहा है अब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन और आता जा रहा है राइट बट ये सारे इलेक्ट्रॉन इसी शेल में एड होते जा रहे हैं ठीक है बट एटॉमिक नंबर के बढ़ने की वजह से जो बीच में मेरा न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियर का चार्ज भी बढ़ रहा है क्यों क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज किससे बढ़ता है प्रोटॉन से राइट तो जब मैं लिथियम पर हूं तो उसमें तीन प्रोटॉन्स है बट जब मैं राइट की तरफ जाते जाते ऑक्सीजन पे पहुंचती हूं तो उसमें आठ प्रोटॉन्स है राइट तो मतलब जैसे जैसे मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊंगी तो क्या होगा मेरे न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बढ़ता जाएगा और जो इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो उसी शेल में ऐड होते रहेंगे ठीक है अब इससे क्या होगा ये मान लो मेरा न्यूक्लियस है ठीक है और ये मान लो मेरा इलेक्ट्रॉन है एनथ शेल पे ठीक है अब इसके ना साइजेस पे फोकस मत करना मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एग्जांपल ले रही हूं तो मैं कह रही हूं कि जो मेरा न्यूक्लियर का जो चार्ज है वो बढ़ता जा रहा है यानी कि मेरा जो न्यूक्लियस है ना ये स्ट्रांग होता जा रहा है और पॉजिटिव होता जा रहा है और पॉजिटिव होगा तो क्या करेगा ये इस नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा है कि नहीं इसे अगर अपनी तरफ खींचेगा तो ओवरऑल मेरा जो एटम का जो रेडियस है वो क्या होगा वो छोटा होगा राइट क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन मैंने जैसे कि बताया कोई फिक्स्ड बाउंड्री तो होती नहीं है इसको अगर न्यूक्लियस ने खींच लिया पास में तो इस पूरे एटम का जो साइज है वो छोटा हो गया तो एग्जैक्टली exactly यही कॉन्सेप्ट होता है जिसकी वजह से पीरियड में जब हम लेफ़्ट से राइट right की तरफ जाते हैं तो एटोमिक रेडिया जो है वो डिक्रीज होते रहता है अब बात करते हैं ग्रुप की ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है अब आप क्यूरियस हो कि ऐसा क्यों होता है अब देखो ग्रुप में कुछ ऐसा होता है जब हम ऊपर से नीचे आते हैं जैसे हाइड्रोजन से लिथियम लिथियम से सोडियम सोडियम से पोटेशियम जैसे, जैसे जैसे नीचे आते हैं हर एक एलिमेंट के साथ हमारे एन की वैल्यू बढ़ती जाती है राइट एन इज इक्वल टू वन फिर एन इज इक्वल टू टू यानी कि नंबर ऑफ शेल्स जो है वो बढ़ते जाते हैं करेक्ट अब जब ऐसा होता है तो क्या होता है देखो एक तो इसको देख के ही पता लग रहा है कि जब नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो मेरा एटम का साइज बढ़ेगा हमने ऑलरेडी पढ़ा था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बढ़ गया मतलब साइज बढ़ गया देखो यहां साफ दिख रहा है जब एन की वैल्यू वन है तो ये साइज था जब एन की वैल्यू फोर है तो ये साइज है करेक्ट तो साइज मेरा एन के साथ बढ़ते जा रहा है तो ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आएंगे तो मेरा एटॉमिक एटोमिक बढ़ता जाएगा अब बात करेंगे हम आयोनिक रेडियाई की आयन क्या होता है ये जब भी कोई आटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है या फिर गेन करता है तो वो बन जाता है आयन जब कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो क्या होता है वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है यानी कि उसके अंदर नेगेटिव चार्ज कम हो जा रहा है और क्या ज्यादा हो जा रहा है पॉजिटिव चार्ज तो यानी कि कोई भी आटम इलेक्ट्रॉन को लूज करने पे बन जाता है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन समझ आया ठीक उसी तरह से कोई भी एटम अगर एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उसके पास एक्सेस में नेगेटिव चार्ज हो जाता है इसीलिए वो बन जाता है नेगेटिवली चार्ज्ड आयन ठीक है अब एक पॉजिटिवली चार्ज आयन को हम कहते हैं कैटायन और एक नेगेटिवली चार्ज आयन को हम कहते हैं एनायन बहुत से बच्चों को इनफैक्ट जब मैं स्टूडेंट थी कई सालों तक मुझे ना यह कंफ्यूजन रहता था कि कैटायन पॉजिटिव वाला होता है कि नेगेटिव वाला होता है ठीक है तो इसे याद रखने के लिए ऐसे याद रखना एनायन मतलब ए नेगेटिव आयन ठीक है तो नेगेटिव वाला एनायन है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव वाला कैटायन है ठीक है ओके okay. तो अब हम आयोनिक रेडियाई को एस्टिमेट कैसे करते हैं तो बेसिकली ये आयन्स होते कहाँ पर है आयोनिक क्रिस्टल्स में तो हम क्या करते हैं कि आयोनिक क्रिस्टल्स के अंदर दो आयन के बीच का जो डिस्टेंस है उसके हेल्प से हम आयोनिक रेडियस का अंदाजा लगाते हैं समझ नहीं आया एग्जाम्पल लेते हैं लेटर सपोज हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की ठीक है इसके अंदर सोडियम आयन्स है क्लोराइड आयन्स है ठीक है हम क्या करेंगे कि सोडियम आयन और क्लोरीन आयन के बीच का जो डिस्टेंस है उसे मेजर कर लेंगे और उसका जो हाफ है दैट विल भी अप्रॉक्सीमेटली द आयोनिक रेडियस ठीक है तो मतलब इस तरीके से हम एक आयोनिक रेडियस का अंदाज़ा लगा सकते हैं एक एस्टिमेट लगा सकते हैं अब अगर हम पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड की बात करें तो हम देखते हैं कि आयोनिक रेडियाई जो है ये भी एटॉमिक रेडियाई के जैसा ही एक सिमिलर ट्रेंड फॉलो करता है हम देखते हैं कि कोई भी कैटायन जो है वो एटम से छोटा होता है और कोई भी एनायन जो है वो उसके एटम से बड़ा होता है अब आप फिर से वही सवाल पूछोगे कि ऐसा क्यों क्योंकि जब मैं कैटायन की बात कर रही हूं वो क्या है पॉजिटिवली चार्ज है पॉजिटिवली चार्ज क्यों है क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है ठीक है अब अगर उसने इलेक्ट्रॉन लूज किया है तो हमारी कहानी कुछ ऐसी है कि बीच में जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो तो उतना ही है क्योंकि प्रोटॉन तो लूज नहीं किया है लेकिन जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है तो मतलब मेरा न्यूक्लियस तो उतना ही स्ट्रांग है उतना ही स्ट्रॉगली पॉजिटिव है राइट right? तो वो क्या करेगा जो बचे हुए नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ खींच लेगा राइट right? तो इसकी वजह से इसका साइज हो जाएगा छोटा और दूसरी तरफ जब हम बात करेंगे एनायन की तो एनायन में क्या हो रहा है उसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं करेक्ट तो अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ जा रहे हैं मतलब इसमें ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं अब चूंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उनके आपस में रिपल्शन भी है राइट रिपल्शन है मतलब वो एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं पास नहीं आना चाहते तो एज अ रिजल्ट ओवरऑल मेरा जो रेडियस है वो बढ़ जा रहा है वो जो साइज है वो बढ़ जा रहा है अब हम बात करेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज की बहुत ज़्यादा ध्यान देना सभी लोग क्योंकि इसके ऊपर बेस्ड कई बार आपको क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं ठीक है अब जैसे ही मैंने ये बात बोली तो सबका ध्यान अचानक से आ जाएगा यार क्वेश्चन आएगा तो सुनो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होते हैं ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं ऐसे एटम्स या आयन्स विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर मैं एग्जाम्पल लेती हूँ न्यून का न्योन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दस ठीक है अब अगर मैं कहूँ एन प्लस इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दस अगर मैं बात करूँ F माइनस यानी कि फ्लोराइड आयन इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दस तो देखो है तो ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स बट सब में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का ठीक है अब अगर मैं पूछूं कि इनके साइज़ेस का क्या इन सब में तो बराबर नंबर के इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या इन सब का साइज़ सेम होगा इनका आयोनिक रेडियाई जो है क्या वो सेम होगा अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि हाँ सब में तो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं तो सेम ही होना चाहिए बट ऐसा नहीं है ऐसा नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम है लेकिन इनके एटॉमिक नंबर्स अलग हैं। अब एटॉमिक नंबर्स अलग हैं, तो इनका न्यूक्लियर चार्ज भी तो अलग होगा है कि नहीं फिर से इसी को देखो न्यूक्लियस मेरा यहां कहीं बीच पे है राइट तो न्यूक्लियस का तो चार्ज अलग अलग है ना जब मैं बात कर रही हूँ सोडियम की तो मेरे न्यूक्लियस के अंदर तो 11 प्रोटॉन्स हैं यानी कि न्यूक्लियस का जो चार्ज है दैट इज प्लस 11 लेकिन जब मैं फ्लोरीन की बात कर रही हूँ तो मेरा न्यूक्लियर चार्ज इज प्लस नाइन करेक्ट तो न्यूक्लियस का जो पॉजिटिव चार्ज है वो अलग है तीनों केस में बट तीनों केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम ठीक है तो अब इस केस में लॉजिकली क्या होना चाहिए जिसके पास न्यूक्लियस के अंदर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है मतलब उसका न्यूक्लियस ज्यादा स्ट्रांग है इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा खींचेगा तो क्या होगा इसका साइज छोटा होगा जब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो ओवरऑल उसका साइज छोटा होगा तो इसका मतलब जिस वाले का जिस वाले स्पीशीज का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा उसका रेडियाई छोटा होगा अब जो अगला प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आयोनाइजेशन एनथेल्पी तो ये होता क्या है एंथेल्पी वर्ड का मतलब होता है मेजर ऑफ हीट इन अ सिस्टम किसी भी सिस्टम में कितना हीट है आयोनाइजेशन एनथेल्पी का मतलब होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम इन इट्स ग्राउंड स्टेट ठीक है मतलब किसी भी एटम से अगर मुझे एक इलेक्ट्रॉन निकालना है तो मुझे कुछ एनर्जी देना पड़ेगा उसे निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन यूं ही तो निकल के नहीं आएगा राइट एंड दैट एनर्जी कॉल्ड अब यहां पर हम एक इंटरेस्टिंग सी चीज देखते हैं जब हम किसी भी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो कौन सा वो पहला इलेक्ट्रॉन होता है जो निकल के आता है सबसे आसानी से कौन सा इलेक्ट्रॉन निकलेगा जो न्यूक्लियस से बहुत स्ट्रांगली जुड़ा हुआ नहीं है मतलब जिसके ऊपर न्यूक्लियस का कंट्रोल सबसे कम है राइट फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह के एक एटम की बात करूँ ठीक है जस्ट एन एग्जाम्पल टू हेल्प यू अंडरस्टैंड तो लेटर सपोज ये जो रेड वाला शेल है ना ये न्यूक्लियस से न्यूक्लियस मेरा सेंटर पे है तो न्यूक्लियस से सबसे दूर है यानी कि इस रेड वाले शेल पे लाई करने वाला कोई भी इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का बहुत ज़्यादा जोर नहीं है तो पहला इलेक्ट्रॉन जब निकलेगा तो यही वाला निकलेगा राइट तो यानी कि रेड शेल से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए मुझे कंपेरेटिवली कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा बट ब्लू वाले से निकालने के लिए उससे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी ग्रीन वाले से निकालने के लिए और मुश्किल रहेगा तो और एनर्जी देनी पड़ेगी ऑरेंज वाले से निकालने के लिए और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी राइट तो ये जो रेड वाले शेल से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वही मेरा पहला इलेक्ट्रॉन निकलता है करेक्ट एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड फर्स्ट आयोनाइजेशन एन तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनथेलपी होती है दैट इज लेसर देन सेकेंड आयोनाइजेशन एनथेलपी दैट इज देन थर्ड आयोनाइजेशन एन एंड सो ऑन ठीक है तो आई गेस अब सबको स... ये तो समझ आ गया कि वॉट इज आयोनाइजेशन एनथेलपी तो चलो अब ये देखते हैं कि पीरियडिक टेबल में आयोनाइजेशन एनथेलपी का क्या ट्रेंड दिखता है हमें तो अगर हम बात करें एक पीरियड की ठीक है तो एक पीरियड के अक्रॉस यानी कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं किसी भी पीरियड में तो हम देखते हैं कि आयोनाइजेशन एनथेल्पी इनक्रीजेज ऐसा क्यों होता है वही सेम लॉजिक जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बढ़ता जाता है क्योंकि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है राइट लेकिन जो नए इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं वो उसी शेल में ऐड हो रहे हैं ठीक है अब न्यूक्लियस का चूंकि चार्ज जो है ज्यादा पॉजिटिव होता जा रहा है तो न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांग हो रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पकड़ के रखा हुआ है तो अब इस इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालना बहुत आसान नहीं है तो जैसे जैसे हम राइट की तरफ जाएंगे इस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना और मुश्किल होता जाएगा यानी कि इसे निकालने के लिए और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी यानी कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ती चली जाएगी अब देखते हैं कि जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है ऐसा क्यों होता है अब जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो विथ एवरी एलिमेंट हमारे शेल्स इंक्रीज होते रहते हैं ठीक है तो अब जब शेल्स इंक्रीज होते रहते हैं तो क्या हो रहा है जो ये बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर जाता जा रहा है तो इसका मतलब ग्रुप में जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं मेरा ये जो बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से दूर आता जा रहा है क्योंकि बीच में जो है नए नए शेल्स ऐड होते जा रहे हैं राइट एक एक नया शेल ऐड होते जा रहा है तो अब जो ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है इसके ऊपर इस न्यूक्लियस का इतना जोर नहीं है इसीलिए अगर इस इलेक्ट्रॉन को किसी को निकालना हो तो वो आसानी से निकाल सकता है तो इसीलिए ग्रुप में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज होती रहती तो यहाँ पर हम एक कंपैरिजन करते हैं बेरिलियम और बोरॉन का सो लेट्स सी विच हैज मोर फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी तो ये जो है आप कह सकते हो कि इसका बिहेवियर थोड़ा एनोमेलस है या फिर दिस इज एन एक्सेप्शन जब हमने जो जनरल रूल पढ़ा था उसके साथ कंपेयर करेंगे तो वी विल सी दिस इज एन एक्सेप्शन कैसे चलो देखते हैं तो सबसे पहले ये जानने के लिए देखो बेरिलियम कहां पर है यहां पर बोरॉन यहां पर है ठीक है अब हमने क्या देखा था कि जैसे ही हम किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट right की तरफ जाते हैं तो आयोनाइजेशन एन क्या होता है आयोनाइजेशन एन जो है इट जनरल right? रूल था तो इस रूल के हिसाब से बोरोन, तो तो बोरोन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन लिखूं तो इटव टू बोरोन का अगर लिखूं तो इटव टू टू एस टू टू पी वन ठीक है अगर मैं दोनों के न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं तो बोरोन में न्यूक्लियर चार्ज होगा प्लस फोर और बे बेरिलियम में न्यूक्लियर चार्ज होगा प्लस फोर और बोरोन में होगा प्लस फाइव ठीक है अब एक लॉजिक है ये सोचने का कि यार न्यूक्लियर चार्ज जिसमें ज्यादा है उसका एंथैल्पी ज्यादा होगा इनफैक्ट जनरल ट्रेंड में तो हम वैसे ही सोचते हैं बट इस केस में क्या हो रहा है हम देख रहे हैं कि बेरिलियम के केस में जो मेरा बाहर वाला इलेक्ट्रॉन है दैट इज इन एस ऑरबाइटल और हमें क्या पता है कि एस ऑरबाइटल वाले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे आर अट्रैक्टेड मोर टूवर्ड्स द न्यूक्लियस वेन कंपेयर्ड टू इलेक्ट्रॉन है ना क्योंकि जब देखो ना आप एस और पी को अगर आप बनाते भी हो ना इसका डायग्राम जैसे लेट से इफ वी टॉक अबाउट बेरिलियम अगर बेरिलियम की बात करेंगे तो ये न्यूक्लियस है जिसमें प्लस फोर न्यूक्लियर चार्ज है और उसके बाद ये वन एस है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है ये टू एस है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन है ठीक है अब अगर हम बोरॉन को बनाते हैं तो ये मेरा न्यूक्लियस है विथ प्लस फाइव चार्ज ये वन एस है विथ टू इलेक्ट्रॉन ये टू एस है विथ टू इलेक्ट्रॉन और उसके बाद टू पी है विच इज इन दिस डबल डम्बल शेप राइट इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है ठीक है तो कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है यहाँ पर तो हमें क्या पता है कि जो एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन होते, है होते हैं ना वो स्फेरिकल होते हैं इसीलिए वो न्यूक्लियस से ज्यादा अट्रैक्टेड होते हैं ठीक है तो इसकी वजह से क्या होगा कि एस ब्लॉक इलेक्ट्रॉन को निकालना जो है विल बी मोर डिफिकल्ट देन पी ब्लॉक इलेक्ट्रॉन तो यानी कि एस ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी राइट right? तो हम क्या कह सकते हैं कि इट इज ईजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन दैन एस इलेक्ट्रॉन राइट यानी कि पी इलेक्ट्रॉन किसके अंदर है बोरॉन के केस में और एस इलेक्ट्रॉन कहां पर है बेरिलियम के केस में तो यानी कि बेरिलियम के केस में जो एनर्जी यानी कि बोरॉन के केस में जो एनर्जी की जरूरत पड़ेगी दैट विल बी लेस देन दैट ऑफ बेरिलियम है ना तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अगर हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो वो जो है वो बोरॉन का विल बी लेस देन बेरिलियम लेकिन जो हमने ट्रेंड पढ़ा था उस ट्रेंड के हिसाब से बेरिलियम शुड बी लेस देन बोरॉन बट दिस इज एन एक्सेप्शन एक और एक्सेप्शन की बात करेंगे दैट इज नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन यहां पर भी होना क्या चाहिए था देखो नाइट्रोजन कहां पर है यहां पर है ऑक्सीजन यहां पर है और हमें क्या पता लेफ्ट टू राइट जैसे ही हम जाते हैं तो मेरा आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो इंक्रीज होता है राइट right? तो होना क्या चाहिए था होना चाहिए था कि नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन ऑक्सीजन ऐसा होना चाहिए था एज पर जनरल ट्रेंड बट ऐसा होता नहीं है होता कुछ और है क्यों कुछ और होता है चलो देखें ठीक है तो नाइट्रोजन का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक uh, कॉन्फिगरेशन लिखें तो यह हो जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी थ्री ऑक्सीजन का अगर लिखें तो यह होगा वन एस टू टू एस टू टू पी फोर तो अगर हम सिर्फ वैलेंस ऑर्बिटल पे फोकस करें आउटर मोस्ट ऑर्बिटल पे तो यहां पर पी में जो है तीन इलेक्ट्रॉन है तो इस तरीके से फिल होंगे वो और यहां पर पी में चार इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये कैसे फिल होंगे ये कुछ इस तरीके से फिल होंगे ठीक है तो ऑक्सीजन में हम क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन के केस में दो इलेक्ट्रॉन एक ही बॉक्स के अंदर है यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू नाइट्रोजन है ना क्योंकि भले ही ये दोनों ऑपोजिट स्पिन के हैं बट हैं तो दोनों नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन तो रिपल्शन तो होगा है ना तो यहां पर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा ज्यादा ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा तो इस केस में इन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना जो है इट विल बी इजी राइट क्योंकि इलेक्ट्रॉन के बीच में ऑलरेडी रिपल्शन है तो एक इलेक्ट्रॉन को अगर उसमें से निकालना है तो इट इज इजी तो इसीलिए यहां पर इजियर टू रिमूव इलेक्ट्रॉन है ना चूंकि यहां पर इजीली रिमूव हो जाएगा यानी कि यहां पर स्मॉलर आयोनाइजेशन एंथैल्पी है तो इसीलिए जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो जब हम आयोनाइजेशन एंथैल्पी की बात कर रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का आयोनाइजेशन एंथैल्पी इज लेस देन नाइट्रोजन तो यानी कि ये जनरल ट्रेंड फॉलो नहीं करता है दिस इज एन एक्सेप्शन तो अब हम अगले प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है इलेक्ट्रॉन गेन इन तो ये कौन सी चीज है इलेक्ट्रॉन गेन मतलब कोई भी आटम कितने आसानी से एक को गेन कर सकता है मतलब कितनी आसानी से वो एक इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ले सकता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गेन इंथेल्पी ठीक है तो अब ये जो प्रोसेस होता है ना इलेक्ट्रॉन गेन का इसके अंदर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है मतलब कुछ एटम्स के लिए यह एक्सोथर्मिक है कुछ के लिए एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेके वो खूब सारा एनर्जी रिलीज करेगा एनर्जी बाहर आएगी तो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक मतलब उस इलेक्ट्रॉन को घुसाने के लिए हमें खूब सारा एनर्जी देना पड़ेगा तो वो है एंडोथर्मिक ठीक है तो अब अगर हम बात करें ग्रुप 18 वाले एलिमेंट्स की यानी कि नोबल गैसेस ठीक है उनके अंदर अगर हमें इलेक्ट्रॉन ऐड करवाना हो तो क्या होता है वो इंटरेस्टेड नहीं होते हैं लेने के लिए क्यों क्योंकि वो तो स्टेबल है राइट ग्रुप 18 के जो नोबल हीलियम है आर्गन है क्रिप्टन है, है उनके फुल्ली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है बिल्कुल स्टेबल है वो कहते हैं नहीं यार मुझे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए बट हम कहते हैं नहीं यार प्लीज एक इलेक्ट्रॉन ले लो अब अगर हम इतना जबरदस्ती करके इलेक्ट्रॉन घुसाएंगे तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी तो देनी पड़ेगी अब देखो एनर्जी यहां पर देनी क्यों पड़ती है यहां पर जो है एंडोथर्मिक क्यों होता है इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी आप जो है किसी भी नोबल गैस को उठाओ और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो लेट अबाउट न्यून तो नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होता है 1s2, 2s2, 2p6। बिल्कुल खुश है मस्त है स्टेबल है लेकिन मैं कह रही हूं कि नहीं यार एक इलेक्ट्रॉन तो ऐड करना पड़ेगा अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा पी के बाद कौन सा आएगा नेक्स्ट एस, तो यानि कि इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एन इज इक्वल टू टू से एन इज इक्वल टू थ्री पे जंप करना पड़ेगा करेक्ट तो यानी कि उसे बहुत सारी एनर्जी चाहिए होगा तो ये एनर्जी कहां से आएगा हमें देना पड़ेगा ऊपर से उस एनर्जी पे जाके नियॉन जो है वो हाईली अनस्टेबल हो जाएगा है कि नहीं राइट right? तो इसीलिए जितने भी हमारे ग्रुप 18 वाले नोबल गैसेस हैं दे हैव पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन इन एंड वेरी हाई पॉजिटिव वैल्यू ठीक है इनके अलावा अगर हम बाकियों की बात करें तो उनके केस में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन गेन करके उनमें एनर्जी रिलीज होती है ठीक है और जहां एनर्जी रिलीज होती है तो इलेक्ट्रॉन गेन एनथेरपी की वैल्यू नेगेटिव होती है ठीक है अब कम बेसी हो सकता है बट एनर्जी रिलीज होती है अब एनर्जी रिलीज क्यों होती है बाकी सब जगहों में क्योंकि बाकी सब जगहों में ना वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आप ऐड कर रहे हो वो उसी शेल में जा रहा है राइट right? मतलब एक शेल से दूसरे शेल में नहीं जा रहा है तो उसी शेल में जा रहा है तो दैट मीन तो कम बेसी जो भी है एनर्जी रिलीज होता है तो उसकी नेगेटिव वैल्यू होती है सबको समझ आ गया ग्रेट अब देखते हैं कि इसका ट्रेंड कैसा होता है वही तो मेन है इस लेसन का तो सबसे पहले बात करेंगे अक्रॉस द पीरियड कि पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट right की तरफ जाते हैं तो क्या होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो मोर नेगेटिव होती जाती है वो और नेगेटिव होती जाती है यानी कि इसका जो वैल्यू है ना मतलब जो नंबर है वो बढ़ता जाता है बट नेगेटिव में नेगेटिव क्यों क्योंकि सब जगह एनर्जी रिलीज हो रही है इसीलिए नेगेटिव साइन है बट वो वैल्यू जो है वो बढ़ती जा रही है ठीक है अब ग्रुप 18 को हटा दो वो एक्सेप्शन है क्योंकि उनमें तो पॉजिटिव वैल्यू होती है अभी मैंने बताया ठीक है अब सवाल है कि ऐसा क्यों होता है काफी लोग शायद गेस भी कर चुके होंगे अब तक क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हम कई बार डिस्कस कर रहे हैं तो जैसे-जैसे हम लेफ्ट से राइट right की तरफ जाते हैं हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है न्यूक्लियस के अंदर का जो पॉजिटिव चार्ज है वो बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस मेरा और पॉजिटिव और पावरफुल हो रहा है तो मेरा न्यूक्लियस कह रहा है कि अरे इलेक्ट्रॉन है आ जाओ राइट क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज चार्ज है तो नेगेटिवली इलेक्ट्रॉन को वो लेना चाहेगा राइट तो वो आसानी से इलेक्ट्रॉन को ले लेगा और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन को ले लेगा वो खूब सारा एनर्जी रिलीज करेगा राइट तो इसीलिए जैसे जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी की वैल्यू मोर नेगेटिव होती जाएगी ठीक है इनफैक्ट जब तक हम ग्रुप सेवनटीन पे पहुंचेंगे ना जहां पर हेलोजेंस है वहां पर हम देखते हैं कि उनकी वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एंथ इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपीज होती है क्यों क्योंकि अगर आप हेलोजेंस को देखो ना चाहे क्लोरीन है फ्लोरीन है उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो तो उनके पास ना आउटर मोस्ट शेल में सेवन इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन के लिए बिल्कुल भूखे होते हैं कि भाई कहीं से भी एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और हम ले लें राइट right? तो एक इलेक्ट्रॉन कहीं भी दिखा तो फटाक से लिया और खूब सारा एनर्जी रिलीज किया राइट right? तो इसलिए जो हैलोजन होते हैं दे हैव वेरी हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथालपीज़ क्लियर बहुत बढ़िया अब हम बात करेंगे ग्रुप में क्या होता है मतलब जब हम ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं तो क्या होता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के साथ तब जो है ये लेस नेगेटिव होते जाता है वैल्यू तो नेगेटिव ही है बट अब जो है वो वैल्यू जो है ना मतलब जो नंबर है वो कम होते जाता है ऊपर से नीचे ऐसा क्यों क्योंकि जब ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या होता है इन इन एवरी स्टेप हमारा शेल बढ़ता जाता है एग्जैक्टली exactly. शेल बढ़ता जाता है तो क्या हो रहा है जो न्यूक्लियस है ना वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से दूर जाता जा रहा है ये मेरा न्यूक्लियस है हर स्टेप के साथ जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं मेरा बैलेंस इलेक्ट्रॉन दूर जा रहा है तो न्यूक्लियस का उसके प्रति जो खिंचाव है जो अट्रैक्शन है वो कम होता जा रहा है तो मतलब जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं ना न्यूक्लियस बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन नहीं कर रहा है और इसी वजह से जो वैल्यू है वो मेरी नीचे जाते जाते लेस नेगेटिव होती जा रही है ठीक है तो अब हम एक एक्सेप्शन की बात करते हैं विथ रिगार्ड्स टू इलेक्ट्रॉन गेन एंड तो अभी अभी हमने जनरल रूल ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंड बिकम्स लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो ये लेस नेगेटिव होते जाता है ठीक है ये हमने पढ़ा था लेकिन यहां पर हम एक्सेप्शन देखते हैं कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है दैट इज लेस नेगेटिव देन सल्फर एंड क्लोरीन जबकि उल्टा होना चाहिए था राइट क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम नेगेटिव होते जाना चाहिए था बट इस केस में ऑपोजिट है तो ऐसा क्यों है लेटेस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड समझने के लिए तो वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना पड़ेगा तो पहले ऑक्सीजन और फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते हैं तो ऑक्सीजन का हो जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी फोर फ्लोरिन का हो जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी फाइव ठीक है तो इनके केस में अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा दैट इलेक्ट्रॉन विल गो इन टू टू पी ऑक्सीजन और फ्लोरिन के केस में ठीक है चलो अब बात करते हैं नीचे वाले एलिमेंट्स के यानी कि सल्फर और क्लोरीन की तो सल्फर का लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये हो जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी फोर और क्लोरीन का हो जाएगा वन एस टू टू एस टू टू पी सिक्स थ्री एस टू थ्री पी फाइव तो इनमें अगर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिटल में जाएगा वो जाएगा थ्री पी ऑर्बिटल में ठीक है अब हमें इतना तो बेसिक नॉलेज है ही कि यार जब n की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो उस ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ जाता है विच मीन्स थ्री पी जो है दैट इज बिगर इन साइज देन टू पी ठीक है तो मतलब अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन 2p में डालती हूं अगर ये 2p में एंटर करता है तो इसे लेस स्पेस मिलेगा क्योंकि 2p ऑर्बिटल छोटा है जब लेस स्पेस होगा तो मोर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन होगा राइट जब आप एक छोटे से कमरे में रहते हो ठीक है इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो इनमें रिपल्शन ज्यादा होगा बट यही अगर आप एक बड़े से कमरे में रहते हो यही दो इलेक्ट्रॉन तो इनमें रिपल्शन कम होगा करेक्ट तो इस केस में क्या होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन जो है वो ज्यादा होगा ठीक है जब रिपल्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होगा ऐसा क्यों क्योंकि आपस में तो एनी जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल कर रहे हैं वो एक दूसरे से भाग रहे हैं तो जब बाहर से हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना चाहेंगे तो उसको भी वो भगाना चाहेगा रिपेल करना चाहेगा तो उसे एंटर करवाने के लिए हमें बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तो यानी कि इन इस केस में जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो भी ज्यादा होगा ज्यादा होगा मतलब ओवरऑल वैल्यू ज्यादा होगा दैट मीन्स जो वैल्यू है दैट हैज टू बी लेस नेगेटिव क्योंकि जो लेस नेगेटिव वैल्यूज होती हैं वो बड़ी होती है माइनस right? टू जो है दैट इज ग्रेटर देन माइनस ट्वेंटी राइट सो वैल्यू हैज बी लेस नेगेटिव ठीक है देआर फोर ऑक्सीजन और फ्लोरिन जो है इनका इलेक्ट्रॉन गेन एन इज लेस नेगेटिव देन सल्फर और क्लोरीन ओके okay, बच्चों तो अब हम जो इस अगले प्रॉपर्टी की बात करने वाले हैं वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एबिलिटी ऑफ एन एटम इन अ कंपाउंड टू अट्रैक्ट द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब किसी भी कंपाउंड के अंदर जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उसे कौन सा एटम अपनी तरफ ज़्यादा खींच सकता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेट अस सपोज हम बात करते हैं वाटर की H2O। इसके अंदर हाइड्रोजन आइटम्स हैं ऑक्सीजन आइटम्स हैं अब इनके जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं उन्हें हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा या ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा ये डिपेंड करता है कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसके ऊपर तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ना दिस एक्चुअली कैन नॉट रियली बी मेजर्ड ये मेजरेबल क्वांटिटी है नहीं हालांकि बहुत तरीके निकाले गए इसे मेजर करने के लिए तो एक जो वाइडली यूज तरीका है दैट इज़ तो द पॉलिंग स्केल तो पॉलिंग एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा कि पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं ना उसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन है तो उन्होंने कहा कि फ्लोरीन को जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी असाइन कर देते हैं फोर ठीक है अब वो फोर जो है एक तरह से स्टैंडर्ड हो गया अब उसके रेस्पेक्ट में बाकी सारे एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू असाइन कर दी गई ठीक है अब यहाँ पर एक बात पे ध्यान देना है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी एलिमेंट का कॉन्स्टेंट नहीं होता है क्योंकि इट डिपेंड्स कि वो पर्टिकुलर एटम कौन से दूसरे एटम के साथ कंबाइन करके वो कंपाउंड बना रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होगी आप सोच रहे हो कि ये कुछ मजा नहीं आया कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे वैरी करेगी एलिमेंट टू एलिमेंट मतलब मजा नहीं आया चलो एक कहानी सुनाती हूँ मैं लेट इज सपोज कि आप और आपका एक भाई या बहन है ठीक है मम्मा ने बनाया है आज पिज्जा और मम्मा ने पिज्जा दिया और कहा कि दोनों इसे शेयर कर लो ठीक है अब लेट इज अजय कि आपका जो भाई या बहन है वो लगभग आप ही के एज का है ठीक है तो अब आप ही के एज का है तो दोनों की पावर लगभग सेम है दोनों की कैपेबिलिटीज लगभग सेम है राइट तो इस केस में क्या होगा कि आप लोग शराफत से दोनों बराबर पिज्जा को बांट के खाओगे क्योंकि इस केस में इसकी पॉसिबिलिटी कम है कि यार मुझे पिज्जा बहुत पसंद है पूरा का पूरा मैं ही खा लेता हूँ सामने वाला आपको खाने नहीं देगा राइट तो इस केस में आप लोग दोनों बराबर से उसे डिवाइड करके खाओगे ठीक है अब मान लो कि आपका जो सिबलिंग है आपका भाई या बहन जो भी है वो आपसे काफी छोटा है मे बी वो सात आठ साल का ही है बच्चा है छोटा है तो उसके पास कम पावर है आपके पास कंपैरेटिवली ज्यादा पावर है राइट अब क्या होगा आप सोचोगे कि यार मुझे भूख भी बहुत तेज लगी है मैं थोड़ा ज्यादा पिज्जा ले लेता हूँ राइट अब आपका भाई जो कि छोटा है वो आपसे इतना फाइट तो कर नहीं पाएगा तो आपने थोड़ा सा पिज्जा ज्यादा ले लिया आप ऐसा करोगे नहीं दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ठीक है तो अब इस केस में क्या होगा पिज्जा की शेयरिंग तो अभी भी हो रही रही है 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 मम्मी ने कहा था शेयर करना शेयरिंग तो चल रही है। लेकिन क्या हो रहा है ज्यादा पिज्जा आपकी तरफ है तो ये जो पिज्जा है ना दिस इज इलेक्ट्रॉन ठीक है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है अगर दोनों में से कोई एक एटम ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जैसे कि इस केस में आप आप ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो तो आपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लिया। लेकिन वही, अगर आप आप ही ही अपने ऐसे कोई भाई के के साथ हो, जो आप ही के एज का है, जिसका पावर आप ही के बराबर है उस केस में आप ऐसा नहीं कर पाओगे राइट तो इसीलिए जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की जो वैल्यू है ये कांस्टेंट नहीं है जब आप अपने छोटे भाई के साथ हो और जब आप अपने बराबरी एज के भाई के साथ हो दोनों केस में आपका जो बिहेवियर है वो डिफरेंट अब अगर हम ट्रेंड की बात करें तो हम देखते हैं कि पीरियड में जब हम लेफ्ट से राइट right की तरफ जाते हैं तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी क्यों वही लॉजिक लेफ्ट से राइट right की तरफ जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा विथ इंक्रीज इन एटोमिक नंबर तो मेरा न्यूक्लियस जो है वो ज़्यादा पॉजिटिव होता जाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा अपनी तरफ खींचना चाहेगा करेक्ट तो ओवरऑल जो है यहाँ पर इन्हें इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ लेने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज़्यादा होगी ठीक है और वहीं अगर हम ग्रुप की बात करें तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रो नेगेटिविटी डिक्रीज क्यों क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारे नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते जाएंगे तो जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस से एक्चुअली काफ़ी दूर होंगे तो न्यूक्लियस को कुछ खास मतलब नहीं होगा कि यार इन्हें खींचा जाए राइट right? तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी है वो कम होती जाएगी एंड देयर फोर डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस तो कुल मिलाकर के हमने ये सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज का ट्रेंड पढ़ा तो इस एक पिक्चर से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे कैसे चेंजेस हो रहे थे तो वन स्मॉल टिप दैट यू कैन रिमेंबर इज जब भी आप पीरियड के अक्रॉस ट्रेंड देखना चाहते हो हमेशा लेफ्ट टू राइट की बात करो ठीक है मतलब उससे क्या है ना यू विल बी एबल टू रिमेंबर थिंग्स इन अ बेटर वे तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट की बात करो और जब भी आप ग्रुप की बात करते हो ऑलवेज टॉक फ्रॉम टॉप टू बॉटम ठीक है अब मान लो हम बात कर रहे हैं एटॉमिक रेडियाई की तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो ये डिक्रीज करता है और उसी एटॉमिक रेडियाई की जब हम टॉप टू बॉटम में बात करते हैं तो क्या होता है ये इंक्रीज करता है अगर हम बात करते हैं लेट से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तो लेफ्ट टू राइट में जो है ये इंक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम में जो है ये डिक्रीज करता है देखो बिल्कुल उल्टा उल्टा है सब कुछ अब अगर हम लेट से बात करें आयोनाइजेशन एंड की तो लेफ्ट टू राइट में ये इंक्रीज करता है और टॉप टू बॉटम में ये क्या करेगा डिक्रीज करेगा है ना आसान तो अगर आपको एक का पता है तो दूसरा वाला बहुत ही आसानी से आप कर लोगे क्योंकि यहां पे जो एरोज बने हैं ना बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि क्या हो रहा है इन एरोज के साथ ठीक है वहीं अगर हम बात करें लेट से इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी की ठीक है दोनों ही केस में मान लो इलेक्ट्रॉन गेन एनथेलपी की बात करनी है तो इसकी जो है ना इसमें बहुत बच्चों को कंफ्यूज होता है जब हम ग्रुप की बात करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो इसकी जो वैल्यू है ना इट बिकम्स लेस नेगेटिव मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ आओगे तो वैल्यू जो है वो लेस नेगेटिव होती जाएगी अब वैल्यू लेस नेगेटिव होती जा रही है मतलब ओवरऑल जो आपका इलेक्ट्रॉन गेन एन है उसकी वैल्यू क्या हो रही है वो ओवरऑल इंक्रीज हो रही है बट जो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है नंबर वाइज इट इज बिकमिंग लेस नेगेटिव ठीक है और वहीं अगर मैं अक्रॉस द पीरियड लेफ्ट टू राइट की बात करूं तो ये मोर नेगेटिव होती जाएगी तो बच्चों फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड तो हमने देख लिया तो अब आ रही है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की मैं पहले ही बता दूं कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम ज़्यादा डिटेल में कुछ खास डिस्कस करेंगे नहीं अभी क्योंकि इसे हम डिस्कस करेंगे जब हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक के बारे में अलग अलग टॉपिक्स में पढ़ेंगे अलग अलग लेसन्स में पढ़ेंगे ठीक है तो अभी फिलहाल हम दो सिंपल सी चीजें डिस्कस करेंगे एक तो द पैटर्न और पीरियोडिसिटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स और दूसरा बिहेवियर ऑफ सेकेंड पीरियड एलिमेंट्स जो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स है ना उनके बिहेवियर में कुछ तो एबनॉर्मल होता है तो ये दो ही चीजें हम डिस्कस करेंगे तो चलो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में तो ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट को बहुत लोग वैलेंस भी कहते हैं ठीक है थीके? तो किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट इज बेसिकली द चार्ज एक्वायर्ड बाय इट्स एटम व्हेन इट कंबाइंस विथ अनादर एटम टू फॉर्म अ मॉलिक्यूल ठीक है मतलब लेट अस सपोज हम एग्जांपल लेते हैं लिथियम हाइड्राइड का एल आई एच ठीक है तो ये एक मॉलिक्यूल है जो बन रहा है लिथियम एटम और हाइड्रोजन एटम से ठीक है अब इसे बनाने के लिए एल आई प्लस और H माइनस ये दोनों कंबाइन होकर के बना रहे हैं लिथियम हाइड्राइड तो इसे बनाने के लिए जो लिथियम है वो क्या चार्ज एक्वायर कर रहा है प्लस वन तो लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इस पर्टिकुलर कंपाउंड में हो गया प्लस वन हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या हो गया माइनस वन ऑक्सीडेशन स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं विथ इंटीजर्स तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट हम निकालते कैसे हैं हमेशा याद रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है या तो इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर आउटर मोस्ट मोस्ट ऑर्बिटल ऑर्बिटल जो भी में इलेक्ट्रॉन है दैट नंबर या फिर इट इज एट माइनस द नंबर ऑफ आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स दोनों में से एक ही होता है ठीक है तो यहां पर जैसे हम एस ब्लॉक यानी कि ग्रुप वन ग्रुप टू और पी ब्लॉक यानी कि थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन इनकी जो है हमने ऑक्सीडेशन स्टेट्स यहां निकाल रखी है जैसे हम क्या देखते हैं ग्रुप वन टू थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन एटीन इनमें जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट ये तो हमें पता ही है राइट इनफैक्ट पी ब्लॉक के लिए हम ग्रुप नंबर कैसे निकालते थे नंबर ऑफ बैलेंस electrons प्लस टेन यानी कि थ्री प्लस टेन थर्टीन फोर प्लस टेन फोर्टीन फाइव प्लस टेन फिफ्टीन ऐसे निकालते थे

इनका नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है या फिर इट कुड बी एट माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दैट इज फाइव अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है तो ये थ्री भी हो सकता है और ये भी हो सकता है अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो ऑक्सीडेशन स्टेट एट माइनस सिक्स यानी कि टू भी हो सकता है या फिर सिक्स भी हो सकता है ठीक है अब आप पूछोगे कि ये क्यों क्योंकि सब लोग एट ही लाना तो चाहते हैं क्योंकि फुल्ली फिल्ड स्टेट जो है दैट इज एक्स्ट्रा स्टेबल तो सब लोग चाहता है कि यार वो एक्स्ट्रा स्टेबल हो जाए वो फुल्ली फिल्ड हो जाए नहीं। तो इसीलिए एट से हम माइनस करते हैं इसको ठीक है ओके तो अब जो है हम कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं तो यहां पर आपको स्क्रीन पे कुछ एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं जैसे कि लिथियम हाइड्राइड कैल्शियम हाइड्राइड अमोनियाम और अगर हमें इनके ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालनी हो तो हम कैसे निकालेंगे देखो ऑक्सीडेशन स्टेट्स निकालने के लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत बड़ा रोल होता है क्योंकि मैंने बताया था राइट right, कि ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ना दैट इज़ नॉट अ कॉन्स्टेंट वैल्यू कोई एक एक कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती है इट डिपेंड्स कि वो एलिमेंट जो है कौन से वाले दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है ठीक है तो अगर मैं लिथियम हाइड्राइड की बात करूं यहाँ पर कौन कौन से एलिमेंट्स इन्वॉल्व है लिथियम और हाइड्रोजन अब हमें क्या पता है देखो हाइड्रोजन यहां पे है लिथियम यहां पर है ठीक है ना और हमें पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप यानी कि लिथियम जो है दैट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन या फिर हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन लिथियम ठीक है तो हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करेगा यानी कि हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा माइनस और लिथियम के ऊपर आएगा प्लस तो लिथियम ने कितना चार्ज एक्वायर किया टू फॉर्म दिस कंपाउंड प्लस वन राइट right? तो ये प्लस वन जो है दैट विल बी द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लिथियम इसी तरह से अगर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो यहां पर कैल्शियम हाइड्राइड की सी एच टू तो यहां पर वन कैल्शियम एटम इज कंबाइनिंग विद टू हाइड्रोजन एटम्स अब यहां पर भी क्या हो रहा है ये हाइड्रोजन दोनों में अगर माइनस माइनस आता है अब इस कैल्शियम को तो दोनों को इलेक्ट्रॉन देने हैं तो इसीलिए कैल्शियम में क्या आ जाएगा टू प्लस तो यानी कि कैल्शियम कितना चार्ज एक्वायर कर रहा है प्लस टू सो दैट बिकम्स इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट अब अगर बात करें एमोनिया की यहां पर हम देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है दैट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सो नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रो नेगेटिव तो यानी कि नाइट्रोजन जो है ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा ठीक है बट ये नाइट्रोजन तीन हाइड्रोजन एटम्स के साथ कंबाइन हो रहा है राइट तो इट टू तो शेयर थ्री इलेक्ट्रॉन्स और ये हाइड्रोजन जो है ये सारे में आ जाएगा प्लस वन प्लस वन प्लस वन तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस थ्री चलो तो अब दूसरे वाले पॉइंट को डिस्कस करते हैं हम नोटिस करते हैं कि जो सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं ना इनका बिहेवियर थोड़ा सा वियर्ड है कौन से हैं सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट्स यही लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन नियॉन हम देखते हैं कि इनका जो बिहेवियर होता है ना इनके ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनसे काफी अलग होता है राइट क्योंकि हमने क्या पढ़ा है कि एक ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट्स हैं सबका बिहेवियर एक जैसा होता है राइट बट हम देखते हैं कि ये जो सेकंड पीरियड वाले एलिमेंट्स हैं ना जो कि मोस्टली हर ग्रुप के पहले एलिमेंट है उनका बिहेवियर कुछ तो अलग है ऐसा क्यों है चलो देखें तो अगर आप गौर करो तो देखोगे कि ये जो अजीब टाइप से बिहेव करने वाले जो एलिमेंट्स है ना ये सारे एलिमेंट्स अपने अपने ग्रुप के मतलब मोस्ट ऑफ दीज एलिमेंट्स अपने अपने ग्रुप के जो है पहले एलिमेंट है जैसे देखो बेरिलियम जो है वो ग्रुप टू का पहला एलिमेंट है बोरोन ग्रुप थर्टीन का पहला एलिमेंट है कार्बन ग्रुप 14 का पहला एलिमेंट है और इनका जो बिहेवियर होता है ये अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से काफी डिफरेंट होता है तो इनके पीछे रीजंस क्या है तो कुछ रीजंस तो ऐसे हैं जैसे कि इनका स्मॉल साइज साइज इनका काफी छोटा होता है कंपेयर टू इनके ग्रुप के बाकी एलिमेंट्स लार्ज चार्ज टू रेडियस रेशियो इनका चार्ज बहुत अधिक होता है और साइज छोटा होता है तो वो जो रेशियो है दैट्स वेरी लार्ज हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और चौथा है फर्स्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप हैज़ ओनली फोर वैलेंस और बाइटल्स दैट इज टू एस एंड टू पी अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग मतलब ये जितने भी एलिमेंट्स है ना लिथियम बेरिलियम बोरोन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन वगैरह इन सब के अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखें जैसे मान लो लिथियम का लिखते हैं तो ये हो जाएगा वन एस टू टू एस वन बेरीलियम का लिखें तो होगा वन एस टू टू एस टू अगर हम बोरोन का लिखें तो होगा वन एस टू टू एस टू टू पी वन कार्बन का लिखो तो वन एस तो हम देखते हैं कि इन सभी में जो है ना सिर्फ टू एस और, और टू पी ही अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए बॉन्डिंग कौन से ऑर्बिटल्स करते हैं जो सबसे बाहर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं ठीक है ना लेकिन वहीं अगर हम इनके बाकी मेंबर्स को देखें ना जैसे सेकंड मेंबर थर्ड मेंबर मान लो सोडियम पोटेशियम की बात करें या मैग्नीशियम कैल्शियम की बात करें मतलब इनके रेस्पेक्टिव ग्रुप में जो नीचे इनके एलिमेंट्स हैं उनको अगर हम देखें और उनके कॉन्फिगरेशन अगर हम देखें तो उसमें थ्री एस थ्री ये सारे इन्वॉल्व हो जाते हैं और ये सारे अवेलेबल होते हैं बॉन्डिंग के लिए तो इसीलिए उनकी जो रिएक्टिविटी होती है उनका जो बिहेवियर होता है वो काफ़ी डिफरेंट हो जाता है राइट right? तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें ये एनोमेलस बिहेवियर देखने को मिलता है अब यहाँ पर मैं एक और इंटरेस्टिंग सी बात बताती हूँ हमने ये भी नोटिस किया कि ये जो लिथियम है ना इसके काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ मैग्नीशियम से मैच करते हैं मैग्नीशियम यहाँ पर है लिथियम यहाँ पर है उसी तरह बेरिलियम की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो है ना वो एल्यूमिनियम से मैच करते हैं अगेन तो देखो ये डायगनली प्लेस्ड एलिमेंट्स जो है ना ये सिमिलर प्रॉपर्टीज शो करती हैं और इसे हम कहते हैं डायगनल रिलेशनशिप इन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज अब बात करते हैं पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल रिएक्टिविटी की तो अभी तक हमने काफ़ी चीज़ें देखी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के ऊपर बेस करके हम सभी प्रॉपर्टीज के ट्रेंड्स बता सकते हैं ऑन द पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में दोनों एक्सट्रीम में रिएक्टिविटी बहुत हाई होती है ठीक है चाहे आप लेफ्ट की तरफ जाओ या राइट right की तरफ जाओ ठीक है अब राइट right की तरफ बहुत ज़्यादा राइट right की तरफ मत जाओ फरगेट अबाउट द नोबल गैसेस क्योंकि वो तो स्टेबल है और वो इनर्ट है ठीक है तो अगर आप राइट हैंड साइड पे हैलोजेंस को कंसिडर करो और लेफ्ट हैंड साइड पे एल्कली मेटल्स को कंसिडर करो दोनों ही बहुत रिएक्टिव हैं लेकिन जैसे जैसे आप सेंटर वाले जगह पे आ जाओगे तो वहां पर जो एलिमेंट्स हैं वो कंपेरिटिवली कम रिएक्टिव है लेस रिएक्टिव है तो ये वाला रिएक्टिविटी का ट्रेंड ऐसा क्यों है ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हम एक्सट्रीम लेफ्ट पे चले जाते हैं जहां पर एल्कली मेटल्स हैं वहां पर क्या होता है वो बहुत ही ज्यादा मतलब ईगर रहते हैं इलेक्ट्रॉन देने के लिए तो वो उनका ऐसा होता है कि हर बस कोई मेरे से इलेक्ट्रॉन ले लो और मैं स्टेबल हो जाऊँ राइट right? तो चूँकि वो इलेक्ट्रॉन देने के लिए इतने इंटरेस्टेड रहते हैं तो दे आर वेरी रिएक्टिव राइट सो दे आर लाइक दे हैव दैट टिपिकल बिहेवियर ऑफ मेटल्स तो दे आर एल्कली मेटल्स उसी तरह अगर मैं एकदम राइट हैंड साइड पे चले जाऊं ऑन द दैलोजेंस उन्हें क्या है एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है कि यार तुम मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे दो और मैं स्टेबल हो जाऊं तो वो बिल्कुल इलेक्ट्रॉन लेने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव रहते हैं तो इनका बिहेवियर कैसा है टिपिकल नॉन मेटल वाला बिहेवियर है इनफैक्ट चूंकि हम इनके रिएक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो अगर वी कंसिडर देयर रिएक्शन विथ ऑक्सीजन तो हम क्या देखते हैं कि जब हम एक्सट्रीम लेफ्ट में चले जाते हैं यानी कि मेटल्स एल्कली मेटल्स इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर बेसिक इन नेचर जैसे कि सोडियम का ऑक्साइड एन इट इज बेसिक इन नेचर वहीं अगर मैं एक्सट्रीम राइट right की तरफ चली जाऊं हेलोजेंस की तरफ ठीक है तो हम देखते हैं कि उनके जो ऑक्साइड्स होते हैं दे आर एसिडिक इन नेचर जैसे क्लोरीन का जो ऑक्साइड होता है सी एल टू ओ सेवन दैट इज एसिडिक और अगर मैं बीच में कहीं रहूं, जैसे कि जहां पर एल्यूमिनियम है या फिर कार्बन है या फिर नाइट्रोजन है तो वहां पर जो मुझे ऑक्साइड्स मिलते हैं दे आर ईदर न्यूट्रल यानी कि नीदर एसिडिक नॉर बेसिक या फिर एम्फोटेरिक यानी कि दे बिहेव बोथ लाइक एसिडिक एंड बेसिक तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 एल और न्यूट्रल ऑक्साइड के एग्जाम्पल्स में आ सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन का ऑक्साइड राइट right? तो इस तरह से हम बड़े ही क्लियरली देख पाते हैं कि जो रिएक्टिविटी है केमिकल रिएक्टिविटी है वो दोनों एंड पे एक्सट्रीम है और बीच में काफ़ी कम रिएक्टिविटी है तो बच्चों आपने नोटिस किया होगा कि ये जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ट्रेंड हमने डिस्कस किया जो भी थोड़ा बहुत डिस्कस किया इसमें हमने काइंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स को ना इग्नोर मार दिया ज़्यादा डिस्कस ही नहीं किया क्यों नहीं किया क्योंकि ट्रांजिशन मेटल्स के लिए काफ़ी चीज़ें काफ़ी अलग होती हैं और वो चीज़ें इतनी अलग होती हैं कि यहाँ पर इतने शॉर्ट में हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे तो इसीलिए हम एस ब्लॉक पी ब्लॉक डी ब्लॉक इन सब को अलग अलग से एक एक अलग अलग लेसन में पढ़ेंगे और जब हम उन्हें इतने डिटेल में पढ़ेंगे तब हम उनके सारे केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे ठीक है तो बच्चा पार्टी यहीं पे ख़त्म होता है हमारा ये लेसन ऑन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ तो मुझे उम्मीद है कि ये लेसन आपको पसंद आया होगा इस वीडियो को देखने के बाद कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे तो अगर आपका किसी भी तरह का फीडबैक है हमें कॉमेंट्स में लिख कर बताएं। इसके बाद एक वीडियो और आएगा जिसके अंदर हम इसी लेसन से लिंक्ड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ठीक है तो सभी लोग मजे से पढ़ते रहो केमिस्ट्री मैं आपको जल्दी ही मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ टेक केयर बाय बाय